गुड इवनिंग एवरी वन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह, आई वेलकम यू ऑन बोर्ड द प्रेजेंट सेशन ऑफ लास्ट करेंट अफेयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स डिस्कशन एंड डिबेट एंड ऑल्सो सीइंग एज टू वाई द क्वेश्चन वर बींग आस्ड। तो इसी पे आज का सेशन रहेगा अगले 3 घंटे का, लगभग 2 से 3 घंटे का। करंट अफेयर्स 50 डेज जो कोर्स है, क्रैश कोर्स, वो फिर से शुरू हो जाएगा कल से या मे बी मैक्सिमम बाई डे आफ्टर टुमारो। दिस सेशन वॉज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, पर्टिकुलर मीन्स कितने क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल और कहाँ से आ रहे हैं, सोर्सेज क्या हैं, नॉट ओनली आंसर्स, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन आर कमिंग एंड वाई द क्वेश्चन आर कमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही आज डिस्कशन का टॉपिक है। इनफैक्ट 10 साल के आप लोग अभी 2021 का जो पेपर आया उसका आज इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू सी दैट प्रीवियस ईयर्स में कितने क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर्स से। आंसर से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है दैट वॉट आर द सोर्सेज ऑफ दीज क्वेश्चन, वाई वर दीज क्वेश्चन आस्ड। तो चलिए बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स आज के सेशन की तरफ। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड यस, गुड इवनिंग, लेट मी शेयर द लिंक इन सम मोर ग्रुप्स एंड देन विल प्रोसीड अहेड। ठीक है, तो चलिए, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर दिस सेशन। लगभग 35 से 40 सवाल लास्ट ईयर, लगभग 38 क्वेश्चंस एग्जैक्ट टू बी वर आस्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब आप बोलिएगा कि सर ये तो आप गलत कह रहे हैं, 5 से 7 सवाल के ऊपर नहीं आया था। तो आइए देखते हैं करंट अफेयर्स का डायमेंशन क्या होता है और करंट अफेयर्स का दिस यस 50 डेज का जो करंट अफेयर्स का कोर्स है वो 3 साल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डिस्कस किया जा रहा है अन अकेडमी आर्टिकुलेट पर, और इसी बेसिस पर डिस्कस किया जाएगा जिस बेसिस पर आज हम 2021 का पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक्स होंगे, मैं इतना अश्योर कर रहा हूं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का सेशन और देखते हैं पहले करंट अफेयर्स का क्या क्या सोर्सेज हम तलाशेंगे आज। ठीक है, 2 मिनट्स, मुझे एक जगह लिंक शेयर कर दीजिए। यस, ठीक है, चलिए। दिस इज डॉक्टर अनुराग, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर द पास्ट 1 decade in offline mentoring, past 1.5 years in online mentoring upon Unacademy. In UPSC, I have appeared twice for the personality test in my 4 attempts and 4 mains. I have also worked as assistant commissioner of sales taxes in Uttar Pradesh State Services for 3 years, after which I resigned to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants. Telegram channel unacademy_Anurag Singh, जुड़ जाइएगा इस session के free PDF and further updates के लिए। UPSC CSE मेगा कॉम्बैट अप्रैल 17 को 11 AM पर सुबह में होने वाला, इंडिया बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, पार्टिसिपेट, विन स्कॉलरशिप्स, यूज कोड अनुराग टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट। ये देखिए, एंड ईस्टर स्पेशल ऑफर, ये देखिए, अनअकैडमी प्लस और आइकनिक में कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के ऊपर ईस्टर स्पेशल ऑफर चल रहा है। 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने एंड 36 मंथ्स में इतना फ्री मिल रहा है आप लोगों का, आप देख सकते हैं फ्री कितना मिल रहा है। एंड ऑल्सो 10% ऑफ, यूज कोड अनुराग टू गेट दिस ईस्टर स्पेशल ऑफर इन योर सब्सक्रिप्शन बॉक्स। यस, अनअकैडमी लाइट, यू कैन सी दिस इंडियाज दिस प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज को लेकर सबसे अच्छा इंडिया का टेस्ट सीरीज अनअकैडमी लाइट हमारे प्लेटफॉर्म पर। यूज कोड अनुराग टू टेक द सब्सक्रिप्शन एंड गेट द बेनिफिट्स ऑफ डिस्काउंट्स। एंड द लास्ट माइल इज ऑल फॉर ऑल ऑफ दोज हु हैव क्वालिफाइड द मेंस अपियरिंग इन द इंटरव्यू, फ्री मॉक इंटरव्यू सेशंस। आप देख सकते हैं प्लस और आइकनिक प्लेटफॉर्म्स के 1-3 ईयर प्लान्स, यूज कोड अनुराग टू गेट द डिस्काउंट्स आउट हियर। चलिए, एंड ये देखिए, दिस दिस इंटरेस्ट फ्री लोन्स आर अवेलेबल एंड अप्रैल 13 से न्यू बैचेज आर अपकमिंग। दिस इज माई प्रोफाइल लिंक अपॉन द अनअकैडमी, अनुराग IMS सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए एंड लेट्स प्रोसीड अहेड टूवर्ड्स टूडेज सेशन। तो करेंट अफेयर्स की जैसे ही बात करें, करेंट अफेयर्स 2000 मैं 2020 से इस प्लेटफॉर्म पर आया और 2020 से लगभग अगस्त से मैं पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूसली करेंट अफेयर्स। अभी चल रहा है 2022 का अप्रैल, ये देखिए, ठीक है, 2 साल लगभग होने को हैं। और इस 2 ईयर्स के ड्यूरेशन में करंट अफेयर्स के डायमेंशन जो हम लोगों ने एक्सप्लोर किए हैं ईयर ऑन ईयर, इट हैज़ जस्ट इंक्रीज्ड।
तो व्हाट इज करंट अफेयर्स, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी करंट अफेयर्स का मतलब क्या केवल न्यूज कॉलम होता है यूपीएससी के लिए? क्या केवल न्यूज कॉलम होता है यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स? नहीं, नॉट एट ऑल स्टूडेंट्स. न्यूज आर अ वेरी माइन्यूट कॉम्पोनेंट. न्यूज का जो बैकग्राउंड होता है, ये देखिए बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड होता है जो न्यूज का स्टूडेंट्स, ये देखिए. एंड दिस बैकग्राउंड इज गिवन इन एलाबोरेट फैशन इन द इंडियन एक्सप्रेस, ये देखिए द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस में एक कॉलम आता है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन्ड पेज, ये देखिए एक्सप्लेन्ड पेज आता है. पेज ही नहीं, एक्सप्लेन्ड पेज पे केवल दो तीन न्यूज रहते हैं. ऑनलाइन वेबसाइट पे एवरी डे अप्रॉक्सिमेटली 8 न्यूज आर अपलोडेड रिगार्डिंग एक्सप्लेन्ड. एक्सप्लेन्ड मीन्स एलाबोरेशन डिटेल्स, ये देखिए, अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक विच केम अप इन द न्यूज. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा. दिस एक टाइटेनियम फैक्ट्री से केरल में फर्नेस ऑयल लीक हुआ था फरवरी 2021 में. मैं बता दूं आपको, ठीक है, फरवरी 2021 में फर्नेस ऑयल लीक किया था टाइटेनियम फैक्ट्री केरल तिरुवनंतपुरम से. फर्नेस ऑयल पे इंडियन एक्सप्रेस ने 3 मेंबर पैनल बना था, उसके ऊपर डिटेल्ड मींस उसने कवर किया था. एंड वहीं से फर्नेस ऑयल में एक छोटा सा पैराग्राफ था, एक वेरी स्मॉल पैराग्राफ, दैट फर्नेस ऑयल किस इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट होता है और किस इंडस्ट्री में लगता है. एंड यूपीएससी वेंट ऑन टू कैच दैट स्पेसिफिक स्मॉल पैराग्राफ एंड कोट इट इन द एग्जाम. सो डिटेल्स मेटिकुलस आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल सीइंग एवरी न्यूज. और मैं बता दूं, एक्सप्लेन्ड जो भी सेक्शन है इसमें एक एक न्यूज देखना जरूरी है. कितनी बार हम लोग कुछ न्यूज स्किप करते हैं, स्पोर्ट्स का न्यूज स्किप करते थे हम लोग, आई होप यू रिमेंबर, ठीक है, स्पोर्ट्स न्यूज वी यूज टू स्किप, यूपीएससी नहीं पूछेगा. एंड लास्ट ईयर एवरी क्वेश्चन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इट वॉज इन एक्सप्लेन्ड कॉलम. दिस लॉरियस अवार्ड्स, इट वॉज इन एक्सप्लेन्ड कॉलम. एंड विद स्पेसिफिक टाइगर वुड्स वॉज द फर्स्ट विनर, रॉजर फेडरर ओन इट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, आज दिखाने वाले हम आपको, ठीक है. सो दिस एक्सप्लेन्ड पेज ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन्ड कॉलम इन साइड द दिस ऑन द वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन बहुत बड़ा है एक्सप्लेन्ड कॉलम, यहीं पे जरूरत होती है गाइडेंस की, ठीक है, आपसे अकेले नहीं हो पाएगा क्योंकि देर आर मोर देन 3000 न्यूज इन द लास्ट 7 ईयर्स. ये एक्सप्लेन्ड कॉलम निकला है, 7 साल से 3000 के ऊपर न्यूज आ चुके हैं, ठीक है. तो उसी के लिए, गाइडेंस के लिए आई एम हेयर. वही 50 डेज क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस किए जाएंगे. अब मैं बता दूं एक्सप्लेन्ड कॉलम से कितने साल के न्यूज इंपॉर्टेंट है, 2 to 3 years में बता दूं, ठीक है. येट 2021 में एक चीज मैंने देखा, दैट दिस एग्जाम के जस्ट 6 months पहले के न्यूज सबसे ज्यादा पूछे गए, यानी फरवरी से लेकर अप्रैल तक, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम डिलेट था लास्ट ईयर भी 2021 में भी. आई होप यू एग्री विद मी, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस 2-3 years, लेकिन 6 months के आसपास फरवरी मार्च के इतने न्यूज डाल दिए यूपीएससी ने प्रीलिम्स में, दैट इट वाज लाइक ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी दिस ईयर, ठीक है. द सेम वे अब इस बार मींस अगर पिछले एक साल के एक्सप्लेन्ड कॉलम वाले न्यूज देखे जाए तो 3-4 न्यूज पकड़ में आ जाएंगे. आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट. द हिंदू में साइंस एंड टेक का पेज आता है संडे को ही, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आते हैं संडे को ही. आई होप यू एग्री. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कम 3 to 4 टॉपिक्स एवरी संडे. साइंस एंड टेक के लगभग 2 बड़े आर्टिकल्स होते हैं एंड 2-3 छोटे छोटे स्नाइपेट्स एंड 1-2 छोटे आर्टिकल्स होते हैं. यही साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट कॉलम, एनवायरमेंट पेज लेता है द हिंदू का संडे को. एंड लेट मी टेल यू, साइंस एंड टेक के लगभग 5 से 7 सवाल पिछले 1.5 साल के द हिंदू में से उठाए गए इस पन्ने से हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है. 1 to 1.5 years, यानी द हिंदू में दे आर फोकसिंग अपॉन द रीसेंट न्यूज, गेटिंग द पॉइंट, पुराने न्यूज नहीं ज्यादा. और तो और एग्रीकल्चर के न्यूज भी, एग्रीकल्चर के न्यूज से 2 न्यूज देखा गया दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द हिंदू पिछले 8-10 महीने का, दैट्स इट. आगे बढ़ते हैं. लास्ट ईयर एक बड़ा चेंज देखा गया एंड दैट वाज फाइनेंशियल एक्सप्रेस. फाइनेंशियल एक्सप्रेस में पेज 2, लेट मी अश्योर यू, पेज 3 एंड 3 ऑफ फाइनेंशियल एक्सप्रेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
आपने देखा होगा कि मैं न्यूज़ में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज़ यहीं पे छपते हैं। पूरा फाइनेंशियल एक्सप्रेस बेकार है अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर यूपीएससी, आई एम नॉट टेलिंग जनरल, ठीक है, गेटिंग इट। पूरा फाइनेंशियल एक्सप्रेस में केवल पेज नंबर 2 और 3 इंपॉर्टेंट, उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज ज्यादा आए थे 2020 में, और 21 में सवाल पुट अप कर दिया। यहां देखिए लगभग 2 से 3 सवाल पुट अप किए गए फाइनेंशियल एक्सप्रेस में से डायरेक्टली। दिस इज व्हाई पाम ऑयल का जो था ना, पाम ऑयल का टॉपिक, इट वाज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्सप्रेस, लेट मी टेल यू। क्योंकि पाम ऑयल के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, मिशन ऑन ऑयल पाम शुरू किया जाएगा, उसी में लिखा था दैट इट इज नेटिव टू अफ्रीका, और सवाल पूछ दिया यूपीएससी ने इट इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, क्योंकि इंडोनेशिया एंड मलेशिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स होते हैं। मैं एग्जांपल साइट कर रहा हूं, गेटिंग इट। आई सपोज द सेशन हैज स्टार्टेड ऑफ, कोई दिक्कत है क्या, टेल मी। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कहां कहां से सवाल निकल रहे हैं, पहले मैं बता दूं तब जाएंगे हम लोग आगे, तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सो ये दीज थ्री एरियाज, दीज थ्री दिस पेपर्स आई हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन एक्सप्रेस का कल्चर वाला पन्ना, कल्चर का एक्सप्लेन पेज में कल्चर के न्यूज इंपॉर्टेंट है, कल्चर के सारे न्यूज यहीं से आए हैं और कहीं से नहीं आए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड स्टूडेंट्स टूवर्ड्स ये इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन कॉलम हो गया, द हिंदू का FAQ और साइंस एंड टेक हो गया। और यस, द हिंदू में एक और चीज देखने को मिला कि स्टेट न्यूज आता है, यस आता है, साउथ इंडिया के स्टेट न्यूज, आंध्रा से, तेलंगाना से, तमिलनाडु से, दिस केरल एंड कर्नाटक। मैं क्यों बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, लास्ट ईयर इट वाज सी सैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट वाज आस्ट टाइगर रिजर्व। इस बार दे आस्ट बॉल गार्ड, दिस बॉलवर्म के ऊपर पूछा गया था, ठीक है, और कॉटन मीन्स बीटी कॉटन के वेरिएंट्स जो तेलंगाना ग्रो कर रहा है उसके ऊपर सवाल पूछा गया था, एंड इट वाज वेरी इजी डायरेक्टली फ्रॉम द हिंदू। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स के लिए थोड़ा देखा हम लोगों ने, आइए बढ़ते हैं सवालों की तरफ, ठीक है। पहले सवाल देखेंगे और देखेंगे इसके सोर्सेस क्या क्या है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ही देखिए, ये RBI के ऊपर पहला ही सवाल देखिए, एवरी 2-3 क्वेश्चंस द करंट अफेयर्स टॉपिक इज कमिंग अप, यू कैन सी इट हियर। हर सवाल के बाद करंट अफेयर्स का टॉपिक, हर 3 सवाल के बाद एक सवाल करंट अफेयर्स का, जोड़कर 38 क्वेश्चंस इस बार। आपको लगेगा स्टैटिक से आया है, स्टैटिक से नहीं आया है, ठीक है। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, दैट इट इज दिस, इट सेट्स अ रॉन्ग प्रेसिडेंट इन द माइंड। फैक्चुअल इतना पढ़ना है, स्टैटिक इतना पढ़ना है, स्टैटिक में कुछ भी नहीं। मैं बता दूं, अगर इतना वेग क्वेश्चंस आने लगे, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू फिनिश ऑफ ऑल द बुक्स एंड फिनिश ऑफ ऑल द एरियाज। आई होप यू एग्री विद मी। ये इसी वजह से स्टूडेंट्स, दिस आपको उस सवाल वो आया क्यों, उसके पीछे क्या रीजन है कि बॉन्ड यील्ड्स सीधे इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है, इंडियन एक्सप्रेस में आया था, डायरेक्टली स्टेटमेंट यहां से उठाकर पूछा था इसने। ये देखिए यहां से आइए देखेंगे, मींस स्टैटिक से भी आ रहा है, क्योंकि वो स्टैटिक डिस्कस किया है इंडियन एक्सप्रेस ने या द हिंदू ने, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर सवाल पूछा था, देखिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के रेफरेंस में, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दे आर सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाई लोकल बोर्ड सेटअप बाई द स्टेट गवर्नमेंट्स। आइए देखते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे क्या लिखा हुआ है। इन अ लैंडमार्क डिसीजन द अर्बन कोऑपरेटिव एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स विच आर 1540 इन नंबर, they have been brought under RBI supervision process which is applicable to scheduled banks. Currently these banks come under dual regulation of RBI and registrar of cooperative societies. देख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। Currently these banks dual regulation of, देखिए यहां पे क्या लिखा है, supervised and regulated by, ये देखिए, ठीक है। अब directly एक एक point eliminate करते जाइए, आप answer पे आते जाइएगा यहां पे। तो लेट्स स्टार्ट अप फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। RBI का टॉपिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टॉपिक, आई डिस्कस दिस टॉपिक इन लास्ट ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, अक्टूबर में एग्जाम के जस्ट 2 वीक्स बैक आई डिस्कस्ड, ठीक है। आइए देखते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सर्टन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इश्यू डायरेक्शंस टू द RBI इन पब्लिक इंटरेस्ट। The governor of the RBI draws his power from the RBI Act.
आपको लगेगा पहले ही सवाल देख के बड़ा बहुत सवाल तो बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई, ठीक है सेकंड स्टेटमेंट क्या लग रहा है, थर्ड स्टेटमेंट क्या लग रहा है, नहीं मीन्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, पढ़ा नहीं है ठीक है आरबीआई के ऊपर, थोड़ा मेटिकुलस रीडिंग लीजिए ठीक है, मेटिकुलस रीडिंग एंड यू विल कम टू द पॉइंट नंबर टू, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नाउ दैट वीड्स आउट दिस स्टेटमेंट, ये देखिए एलिमिनेट्स दिस स्टेटमेंट, ये देखिए जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान में प्रोविजंस कहां दिए हुए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर, वो आरबीआई एक्ट में दिए हुए हैं ठीक है, संविधान में कहां दिया हुआ है प्रोविजंस पूरा, लक्ष्मीकांत आप पढ़ लिया आरबीआई के बारे में कुछ आया बीच में मुझे बताइए, बिल्कुल नहीं आया, सीधे सोर्सेज में, मींस जहां कहीं लग रहा है कुछ क्वेश्चन में कि रीड नहीं किया, थोड़ा देखिए एक जगह आपको हिंट देगा यूपीएससी, और वो हिंट ठीक है हिंट यहां पे है सर्टन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं होता और कुछ और होता ठीक है आरबीआई एक्ट होता, यू माइट हैव बीन कंफ्यूज्ड, ये हम लोगों ने क्यों पढ़ा था सेक्शन 7 आरबीआई एक्ट, कुछ याद है स्टूडेंट्स टेल मी, सेक्शन 7 आरबीआई एक्ट मैंने पढ़ाया था आप लोगों को एक्सपेक्टेड एरियाज में 2 weeks बिफोर द प्रीलिम्स, लेट मी टेल यू सेक्शन 7 क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों गवर्नमेंट कभी कभी इन्वोक करती है ठीक है आरबीआई के ऊपर क्यों रेगुलेशंस इन्वोक करती है, इट वाज दैट ठीक है, सो इट इज 2 इज एलिमिनेटेड, 2 जहां जहां एलिमिनेट करते चले जाइए डेराइव हो जाएगा सही आंसर सी आंसर, ये देखिए पहला सवाल डन, आइए सेकंड क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं इकोनॉमिक क्वेश्चन देखिए 2, 3, 4 अगर छोड़ दिए जाए पांचवा नंबर सवाल देखिए, विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल बोर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट्स, ये देखिए दे कैन इश्यू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, दे वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966, ये देखिए सीधा द हिंदू का दिसंबर दिस सीधा द हिंदू के टॉपिक में जाते हैं ठीक, द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में दोनों जगह, ये देखिए द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू एट बोथ द प्लेसेस, दिस वॉज जब से पीएमसी बैंक फेल किया उसके बाद लगभग 3-4 आर्टिकल्स, ये देखिए 3-4 आर्टिकल्स, और देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे करंटली दीज बैंक्स कम अंडर ड्यूअल रेगुलेशन ऑफ द आरबीआई एंड द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, द मूव टू ब्रिंग दिस अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द आरबीआई कम्स आफ्टर सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रॉड एंड सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इंक्लूडिंग द मेजर स्कैम एट पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लास्ट ईयर, इन सेप्टेंबर द आरबीआई वॉज फोर्स टू सुपरसीड द पीएमसी बैंक्स बोर्ड एंड इम्पोज स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस, क्या ये आपको हिंट दे रहा है इस सवाल के लिए मुझे बता दीजिए स्टूडेंट्स क्या ये आपको हिंट दे रहा है इस सवाल में, ये डायरेक्ट ये आर्टिकल मुझे बताइए, सो करेंटली दीज बैंक्स आर अंडर अ ड्यूअल रेगुलेशन, ये देखिए और सवाल का पहला पॉइंट देख लीजिए आपको डायरेक्टली हिंट मिल जाएगा, वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग वन इज वीडेड आउट, ये देखिए हटा दीजिए, यू आर कमिंग बैक टू द राइट वन, ये देखिए यू कैन सी इट हियर, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स मुझे बता दीजिए, ये सेकंड सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आइए तीसरा सवाल देखते हैं इंडियन इकोनॉमी का ठीक है, तीसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 6 इस बार के पेपर में बॉन्ड यील्ड्स, आइए देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व, एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, यह है इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड कॉलम, मैं बता दूं तीन आर्टिकल्स आए थे लगभग मार्च से फरवरी मार्च के बीच में, यस फरवरी मार्च 2021, एक आर्टिकल आया था फरवरी 2020 में भी बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर पता है कब आता है न्यूज़, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है नया ईयर शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर, तब क्यों यूएस फेड रेट्स मॉडिफाई होते हैं उस समय, आपने ध्यान दिया है ठीक है इस चीज पर, आइए देखते हैं बॉन्ड यील्ड्स इज द रिटर्न एन इन्वेस्टर गेट्स ऑन दैट बॉन्ड और ऑन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द यील्ड इज द मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई, स्पेशली द कोर्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स, द फिस्कल पोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट,
बोरिंग प्रोग्राम द ग्लोबल मार्केट्स द इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन. ये देखिए स्टूडेंट्स, बॉन्ड यील्ड्स किस चीज पर डिपेंड करता है, ये देख लीजिए यहां पे. एक्शन ऑफ यूएस फेड रिजर्व, एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स. यस, ये देखिए ऑल थ्री वर देयर आउट हियर. ये देखिए ग्लोबल मार्केट्स, जब जब फेड रेट्स मॉडिफाई होते हैं तुरंत इंडिया में हलचल मचती है हर फील्ड में. दैट्स इट. इस बार के एक्सपेक्टेड एरियाज वही 50 डेज क्रैश कोर्स में है, उसी में चल रहे हैं. ठीक है, इज दिस क्लियर? साफ साफ इंडियन एक्सप्रेस का. और ध्यान दीजिएगा, ये लोग टेक्निकल वाले पॉइंट्स उठा रहे हैं, टेक्निकल वाले पॉइंट्स. इसका साफ मतलब है पूरा न्यूज एक तरफ और टेक्निकल पॉइंट्स. बॉन्ड यील्ड्स राइज फॉल फैक्टर्स, राइज कर रहा है फॉल कर रहा है, ये नहीं फैक्टर्स के ऊपर. यहां देखिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इसमें न्यूज में जो था रेगुलेशन, आरबीआई ने उसे छीन लिया, आरबीआई ने अपने पास रेगुलेट करने के लिए रख लिया. रेगुलेशन के ऊपर देखिए सवाल पूछ दिया. उसके बाद ये देखिए, गवर्नमेंट ने प्रोविजंस के तहत आरबीआई के ऊपर सुपरसीड करने के लिए सेक्शन 7 इन्वोक किया था. तुरंत सेकंड नंबर देखिए जहां स्टेटमेंट, यही देखिए सिग्निफाई कर रहा है. जो भी न्यूज में है वही स्टेटमेंट में ही सारा हिंट छुपा हुआ है. दैट्स इट. आइए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ करेंट अफेयर्स, ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट. टफ हो गया क्वेश्चन, क्या कहा जाए, क्योंकि फैक्चुअल टॉपिक है. लेकिन इसका आंसर संडे के द हिंदू में साइंस एंड टेक कॉलम में, मॉस्किटोज पे, मलेरिया पे लगातार रिसर्च चल रहा था 3 साल से. तो इट वॉज इन 2020 जुलाई अगस्त जब मलेरिया के ऊपर वैक्सीन डेवलपमेंट की इनिशिएटिव्स न्यूज में आने शुरू हो गए थे, उसी समय मॉस्किटो रिपेलेंट्स, आपने देखा होगा जो द हिंदू में साइंस एंड टेक पेज आता है, हैव अ लुक, उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. ठीक है, ये न्यूज स्नाइपेट्स होते हैं, छोटे वाले, तीन न्यूज रहते हैं यहां पे. डू यू एग्री? ठीक है, यहां एक बड़ा न्यूज रहता है, बड़ा आर्टिकल, बहुत इलाबोरेट आर्टिकल, ये देखिए. एक सेकेंड आर्टिकल होता है यहां पे, बहुत इलाबोरेट, ये देखिए. एक यहां पे थिन आर्टिकल होता है यहां पे, ये देखिए. एग्री? ये द हिंदू का साइंस एंड टेक संडे का मैं दिखा रहा हूं पेज का स्ट्रक्चर. ठीक है, और यहां पे एक छोटा सा आर्टिकल नीचे में और होता है. दैट्स इट. ठीक है, एक छोटा सा आर्टिकल द हिंदू का साइंस एंड टेक पेज पे, लास्ट में नीचे में, इज द होल स्ट्रक्चर. ठीक है, अभी पिछले 2 साल से ये दोनों बड़े वाले आर्टिकल्स, मैं बता दूं, दोनों बड़े वाले आर्टिकल्स में लेट मी टेल यू, ये कोविड को ही रिलेटेड सारे टॉपिक्स आ रहे हैं. ठीक है, यहां पे छोटा सा एक आर्टिकल, यहां पे ये देखिए ऐसे कुछ स्ट्रक्चर. अब ये और ये, यहीं पे लास्ट वीक मैंने कलर्स वाला पढ़ाया था आप लोगों को, कलर वाला याद कीजिए. ठीक है, ये वाला जो लंबा वाला आर्टिकल होता है, छोटा सा, फ्रॉक्स के ऊपर कभी आता है, कभी फिशेस के ऊपर आता है, यहीं पे लेमन ग्रास का न्यूज छपा था. आइए देखते हैं लेमन ग्रास का न्यूज. ठीक है, नाउ इज इट ओके? मुझे बता दीजिए, पहले लैग कर रहा था, बता दीजिए. आइए देखते हैं क्या न्यूज है. अ स्टडी पब्लिश्ड इन द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन पॉइंटेड आउट दैट व्हाइल द फॉर्मुलेशन ऑफ अबाउट 24% DEET प्रोवाइडेड कंप्लीट प्रोटेक्शन फॉर ओवर 300 मिनट्स, बोटानिकल रिपेलेंट्स वर एबल टू प्रोटेक्ट फॉर ओनली अबाउट 20 मिनट्स. द वन दैट वर्क आर लेवेंडर ऑयल, पेपर मिंट ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, सेडार ऑयल, जेरेनियम ऑयल. ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे पूछ दिया, यहाँ पे ये देखिए, ये मॉस्किटो रिपेलेंट्स के रूप में, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑयल यहाँ पे पुट अप किया गया है. बोटैनिकल रिपेलेंट्स ऑफ मॉस्किटोज, बस छोटा सा आर्टिकल, देखिए कितना टेक्निकल पॉइंट, लेमन ग्रास उठाकर डाल दिया सवाल में इन लोगों ने. ये देखिए यहाँ पे लेमन ग्रास, एलिफेंट ग्रास, कांग्रेस ग्रास, नट ग्रास, ऐसे भी आप वीड आउट भी कर सकते हैं. कांग्रेस ग्रास इज अ वीड, एलिफेंट ग्रास इज नॉट फाउंड मीन्स इट इज अ सवाना प्लांट. ठीक है, आप वीड आउट भी कर सकते हैं, लेकिन लेमन ग्रास मोस्ट एक्सपेक्टेड है. लेकिन सीइंग द न्यूज, न्यूज क्यों आया है? बिकॉज द हिंदू में वहां पे पुटअप किया गया था आर्टिकल में, मॉस्किटो रेपेलेंट्स दैट वर्क, यही था आर्टिकल का नाम. इज इट क्लियर? टेल मी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21.
फैक्चुअल टॉपिक डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द हिंदू. अब ये स्टैटिक से नहीं आया, ये करंट से आया, मैं बता दूं आपको. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के बारे में कुछ पूछा हुआ है. आइए देखते हैं. आई होप लैग नहीं कर रहा है, ठीक चल रहा है, मुझे बता दीजिए. कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, आइए देखते हैं. देखते ही लग रहा है स्टैटिक से पूछ दिया यार. व्हाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स? दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इनटू एनवायरनमेंट. द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट. दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट. ये देखिए कॉपर स्मेल्टिंग. आइए देखते हैं न्यूज क्या था. स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को बाई किया वेदांता इंडस्ट्रीज ने. स्टरलाइट सुना है आपने, तमिलनाडु में. तमिलनाडु में इसके खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट हुए, ठीक है, प्रोटेस्ट इन तमिलनाडु. आइए न्यूज देखते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज आइए देखते हैं. ये देखिए, एक्सप्लेन स्निपेट सल्फर डाइऑक्साइड हैवी मेटल्स हाउ कॉपर स्मेल्टिंग पॉल्यूट्स. ये देखिए द मेन पॉल्यूटेंट्स. ये दिस सिक्स मंथ्स जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, अप्रैल का न्यूज है ये. द मेन पॉल्यूटेंट्स आर रिलीज बाय द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग. मोस्ट कॉपर ओर्स आर सल्फर बेस्ड एंड स्मेल्टिंग रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड एयर पॉल्यूटेंट नोन टू हैव मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स. ये देखिए डिटेल्स देखिए यहां दिया हुआ है. अ प्रोटेस्ट ओवर द एक्सपेंशन ऑफ स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट इन ट्यूटी कोरिन तमिलनाडु विच लेड टू पुलिस फायरिंग दैट किल्ड 13 पीपल हैव बीन ओवर पॉल्यूशन कंसर्न्स. हाउ डू कॉपर एंड स्मेल्टिंग ऑफ द मेटल पॉल्यूट. ठीक है, द मेन पॉल्यूटेंट्स आर रिलीज बाय द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग. ये देखिए लिखा हुआ है, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें. मोस्ट कॉपर ओर्स आर सल्फर बेस्ड एंड स्मेल्टिंग रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड एयर पॉल्यूटेंट नोन टू हैव मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स. यू कैन सी इट हियर. ये जो मैं अभी रीड कर रहा था, ये देखिए ये सेंटेंस पढ़ लीजिए. ठीक है, समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द ओर द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज सो हाई दैट इंडस्ट्रीज आर फोर्स टू कन्वर्ट इट इनटू सल्फ्यूरिक एसिड विच इटसेल्फ इज अ वाटर कंटामिनेंट. देखिए एक और पॉइंट पुटअप किया, पूछा नहीं, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, यूपीएससी में पूछा नहीं तो और टफ हो जाता है ये क्वेश्चन. द अदर बाई प्रोडक्ट, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के बाद द अदर बाई प्रोडक्ट, ये इशारा कर रहा है दो ही बाई प्रोडक्ट्स हैं जो हार्मफुल है. ऑफ स्मेल्टिंग इज स्लैग द वेस्ट मैटर सेपरेटेड फ्रॉम मेटल्स. दिस स्लैग मे लीच हैवी मेटल्स आर्सेनिक कैडमियम लेड और मर्क्यूरी डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ ओर इन टू द ग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स. दैट्स इट. स्लैग मे ऑल्सो इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ अदर लेस हार्मफुल सॉल्ट इन वाटर रिसोर्सेज. स्लैग हैवी मेटल्स, आइए सवाल देखते हैं. ठीक है, आइए देखते हैं. दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इन टू द एनवायरमेंट. कार्बन मोनोक्साइड पूरा कहीं पर भी उस आर्टिकल में आया है, मुझे बताइए. दो दो आर्टिकल्स थे, दोनों में कहीं सी ओ टू नहीं. ठीक है, द कॉपर स्लैग मे कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इन टू एनवायरमेंट. हैवी मेटल्स. दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट. अब आप आंसर बता दीजिए मुझे, आपको अब आंसर मालूम चल गया ये आर्टिकल देखकर. अप्रैल 2021 का आर्टिकल, सॉरी मार्च, हाँ यस, अप्रैल 2021 का आर्टिकल जो पूछ दिया यूपीएससी के प्रीलिम्स में लास्ट ईयर. ये देखिए, डिड यू गेट द क्रक्स ऑफ दिस न्यूज टेल मी. ये देखिए स्टरलाइट कॉपर, अब सोचने में आप ध्यान दीजिए, इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत गजब का न्यूज पेपर है. पता है क्यों? क्योंकि वो किसी न्यूज का बैकग्राउंड चेक करता है. क्यों? टेक्निकलिटीज, और वही टेक्निकलिटीज यूपीएससी में इंपॉर्टेंट. तो यहां देखिए कॉपर स्लैग एंड सल्फर डाइऑक्साइड साफ साफ दिख गया आपको, 2 and 3 इज करेक्ट. आगे बढ़े स्टूडेंट्स, कुछ हिंट लग रहा है करंट अफेयर्स का, आइए देखते हैं आगे. 18 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 18 नंबर क्वेश्चन फर्नेस ऑयल के ऊपर. ये देखिए फर्नेस ऑयल, फरवरी 2021 का न्यूज, आइए देखते हैं फर्नेस ऑयल के ऊपर. दिस फरवरी 2021 का न्यूज, ये टाइटेनियम फैक्ट्री, ठीक है, टाइटेनियम फैक्ट्री से लीक किया था थिरुवनंतपुरम के समुद्री तट पर. ठीक है, मैं एग्जैक्ट डेट बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा. ठीक है टाइटेनियम फैक्ट्री से लीक किया था फरवरी, शायद फरवरी 21 को ही था. ठीक है, एंड दिस उस पर 3-member पैनल बैठा दिया गया. दैट दिस क्या चल रहा है, फर्नेस ऑयल लीक क्यों किया. फर्नेस ऑयल एक बाई प्रोडक्ट होता है क्रूड ऑयल रिफाइनिंग का, मैं बता दूं आपको.
एंड इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल ने इस चीज को कवर किया। ये देखिए, ये देखिए, फर्नेस ऑयल लीक इनटू द सी, ये देखिए। सो दिस क्वेश्चन निकालने के लिए यूपीएससी भी न्यूज़पेपर पढ़ती है, बिल्कुल पढ़ती है, तो एकदम बिल्कुल पढ़ेगी। उसे भी नोवेल क्वेश्चंस चाहिए, इनोवेटिव क्वेश्चन चाहिए। ये देखिए, सो फर्नेस ऑयल इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ, इन दिस न्यूज ओनली, बाई प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल रिफाइनिंग। यस, ये देखिए, ऑयल रिफाइनरीज, दैट्स इट, ठीक है। इट इज यूज्ड, इट इज यूज टू जनरेट पावर ऑल्सो इन सर्टन इंडस्ट्रीज। यस, ट्रू स्टेटमेंट। एंड इट्स यूज कॉजेज सल्फर एमिशंस इन टू द एनवायरमेंट। बिल्कुल ऑल थ्री वर डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। ये देखिए, मैं यहाँ पे पुट करना भूल गया इसका जो स्टेटमेंट था यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए केरल का स्पेसिफिक न्यूज, थ्री मेंबर पैनल। ये देखिए 11 फरवरी का न्यूज है, ठीक है, ओके। सो दिस इज इट। और सवाल पुटअप कर दिया यहाँ पे तुरंत डायरेक्टली। सो द डायरेक्ट, इट्स डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन पेज, केरल के बारे में ये न्यूज आया था। 18 नंबर सवाल, ये देखिए 18 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल, 21 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। टफ है क्योंकि कहीं मिला नहीं मुझे, मैं बता दूं करंट अफेयर्स का है लेकिन कहीं मिला नहीं, कहां से पूछा है, शायद डाउन टू अर्थ में डाला हो गया हो कभी, ठीक है। ये देखिए बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर क्वेश्चन, ये देखिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर क्वेश्चन, ये देखिए, और ये देखिए आरबीआई के ऊपर क्वेश्चन। 20 सवाल में 8 सवाल का एवरेज चल रहा है, ये लास्ट तक रह गया यूपीएससी में, मैं बता दूं आपको इस साल के पेपर में। आइए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। ये देखिए, इन द नेचर विच आर द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन द सर्फेस विदाउट सॉयल। यू विल से सर, ये सर, ये तो सिर्फ टॉपिक सर, आप जो पुटअप कर रहे हैं सर, दिस इज, दिस टॉपिक इज नॉट फ्रॉम करंट अफेयर्स, दिस इज फ्रॉम स्टैटिक, ठीक है। लेकिन लेकिन मैं बता दूं, ये ग्रीनलैंड का एक आर्टिकल आया था, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओवर इन द हिंदू, ओवर मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स इन ग्रीनलैंड। 2020 का न्यूज द हिंदू का, एनवायरमेंट का न्यूज संडे का, साइंस एंड टेक पन्ने पे ही, ठीक है। ग्रीनलैंड के आइस कैप्स, पोलर आइस कैप्स मेल्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे एक एरियल व्यू ने पुट अप किया था, दिस दैट ग्रोथ ऑफ सम एल्गी इज कमिंग अप ऑन दैट ऑन द दिस दिस क्या कहते हैं, ऑन द आइस कैप्स वार्मिंग के कारण। तुरंत यूपीएससी और तुरंत द हिंदू ने उसके बारे में डिटेल्स किए कि प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, उसके बारे में तुरंत से सवाल दिस द हिंदू डिस्कस्ड इन दैट आर्टिकल। इट वॉज, लेकिन लेट मी टेल यू, इट वॉज 2 years बैक, ठीक है। अगर आप देखिएगा अक्टूबर में लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है, तो उसके हिसाब से 1.5 साल पहले ये न्यूज आया था, ठीक है। एंड इसके ऊपर दिस, इसके ऊपर यूपीएससी ने सवाल ग्रो सवाल पूछ दिया। देखिए, इन द नेचर विच आर द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन द सर्फेस विदाउट सॉयल। ये देखिए, सो फर्न्स, मॉसेस, लाइकेंस एंड मशरूम्स, ठीक है। तो टेल मी स्टूडेंट्स वन थिंग, क्या दिस इन मॉसेस एंड लाइकेंस, क्या प्राइमरी सक्सेशन का यही बिगनिंग होता है, मुझे बता दीजिए। आर दीज द बिगनिंग पॉइंट ऑफ द प्राइमरी सक्सेशन विदाउट एनी सॉयल। यस, इट्स मॉसेस एंड लाइकेंस, 2 and 3 इज करेक्ट। ये देखिए, आंसर इज 2 and 3, मॉसेज एंड लाइकेंस। मैंने ये शायद स्टैटिक पोर्शन में बताया भी होगा आप लोगों को, ठीक है। और दिस फंड्स नहीं होते हैं, फंड्स वीड आउट कीजिएगा, आपको आंसर पे आप आ जाइए, मैं बता दूंगा। मॉसेज एंड लाइकेंस आर द फर्स्ट इनहैबिटर्स इन द प्राइमरी सक्सेशन ऑन द आइस कैप्स। देखिए, फर्न नहीं होता है, फर्न प्लांट है, प्रायोफाइट्स के बाद। मैं बता दूं, मॉसेस, लाइकेंस, फंगी, एल्गी, उसके बाद फर्न्स का नंबर आता है, ठीक है। तो उसे सॉयल चाहिए, आप 1 वीड आउट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 and 3 इज करेक्ट, और यही ग्रीनलैंड में कैच किया गया ग्रो करते हुए, अलॉन्ग विद 1 एल्गी, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी वॉज डिस्कवर्ड इन द ग्रीनलैंड आइस कैप्स बिकॉज अ एरियल व्यू, वहाँ की बर्फ भूरा पड़ गया था, ब्राउन। एरियल व्यू, एरोप्लेन से व्यू लेते समय
द पीपल वर सरप्राइज कि ये ब्राउन क्यों हो गया एंड देन इट वॉज रिवील्ड मॉसेस लाइकेंस के साथ इसके बाद वहाँ ब्राउन एल्गी ग्रो होना शुरू हो गया है एंड इट इज लीडिंग टूवर्ड्स अ प्राइमरी सक्सेशन यस ठीक है गेटिंग इट मशरूम्स देखिए सॉयल का मतलब क्या इस चीज को ध्यान में रखिएगा ठीक है सॉयल का मतलब क्या इस चीज को ध्यान में रखिएगा जरा सा भी डिकम्पोज मटेरियल जरा सा भी ठीक है एनी डिकम्पोज मटेरियल और मैं बता दूं सॉयल चाहिए होता है जिस प्लांट के पास हल्के से भी रूट्स होते हैं मॉसेस एंड लाइकन्स डोंट हैव इट डोंट हैव द रूट्स इन फैक्ट यही तो वजह है दे कैन सर्वाइव विदाउट सॉयल वुड के ऊपर मशरूम ग्रो करता है उस जगह को टच कीजिएगा वुड हैज डीकम्पोज इन दैट एरिया वो धूल बन गया होगा वहां पे मैं बता दूंगा आपको सॉयल इज द डीकम्पोज पार्ट ऑफ वुड और रॉक इवन अगर आप लॉक ले रहे हैं ना लोहे का उस पर भी अगर डीकम्पोजिशन के बाद थोड़ा सा धूल हो गया तो कुछ भी ग्रो कर जाएगा वहां पर दैट्स इट गेटिंग इट यहां पूछा हुआ है कोई भी सरफेस जहां कुछ सॉयल का कंपोनेंट नहीं और मैं बता दूं मॉसेस एंड लाइकेंस इनफैक्ट सॉयल बनाते हैं बिकॉज ऑफ देयर सिक्रीशंस डू यू एग्री टेल मी बिकॉज ऑफ द सिक्रीशंस वो सॉयल बनाते हैं उसके सिक्रीशंस होते हैं एसिडिक रिएक्शंस उसमें रिएक्शंस कॉज करते हैं एंड सॉयल इज फॉर्म्ड यस तो चलिए 20 नंबर सवाल हो गया आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगला टॉपिक ये देखिए कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स हेजहॉग मैरमॉट पैंगोलिन ये देखिए पैंगोलिन तो बार बार न्यूज में चल रहा है अब आपको लगेगा टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स विच ऑफ द अबव ऑर्गेनिज्म रोल्स अप एंड प्रोटेक्ट्स इट्स और देयर वल्नरेबल पार्ट्स तो ये बताइए स्टूडेंट्स क्या पैंगोलिन ठीक है तो क्या पैंगोलिन के बारे में आपने पढ़ा है कि मैंने पढ़ाया और रोल कर जाता है उसके स्केल्स होते हैं टाइगर को देखकर रोल कर जाएगा ठीक है दिस इट अरे मॉसेस एंड लाइकेंस सीक्रेट्स केमिकल्स आप देखिएगा ठीक है यही तो प्राइमरी सक्सेशन की शुरुआत होती है प्राइमरी सक्सेशन में सबसे पहले बर्फ के ऊपर भी केमिकल्स अगर बनने शुरू होते हैं इट्स बिकॉज ऑफ सीक्रेशंस ऑफ मॉसेस एंड लाइकेंस लेट मी टेल यू तो आइए देखते हैं ये पैंगोलिन तो रोल करता है हम लोगों ने उसका फोटो भी देखा है ठीक है अब ध्यान दीजिए हेजहॉग के ऊपर एक आर्टिकल आया था ये देखिए हेजहॉग पे पिछले साल से बहुत फोकस मद्रास हेजहॉग याद है कुछ आपको मद्रास हेजहॉग का एक आर्टिकल आया था मद्रास में कोई जिस हेजहॉग पाया जाता है और उसके बारे में उसको कंजर्वेशन करने की बात चल रही देखिए द हेजहॉग दैट हैज बीन ऑन दिस लैंड सिंस बिफोर द सिटी गॉट इट्स नेम इज नाउ द फोकस ऑफ अ फ्लेजलिंग ग्रास रूट्स अवेयरनेस कैंपेन एम्ड एट रिवाइविंग इट्स नंबर्स इन 2011-12 व्हेन इकोलॉजिस्ट ब्रविन कुमार वाज इन द टाउन ऑफ नंगुनेरी नियर तिरुनेलवेली ही वाज ये द हिंदू का है ठीक है मैं बता दूं आपको ठीक है ही टोल्ड मल्टीपल टेल्स अबाउट पैंगोलिन्स एंड पीकॉक्स मेकिंग देयर वे इनटू द नियर बाय फार्मलैंड एंड विंडमिल ऑफिसेस But the most interesting part of the report he got was of a kind of rat. At least it looked like a rat, but it had no tail and it has a lot of thorns. He visited the village again and again to catch sight of this creature. ये awareness campaign के head है जो मद्रास है जो को बचाया जा रहा है. He visited the village again and again to catch sight of this creature that few in the area could identify. And it took multiple visits before he finally saw one crawling away from him towards a cover of trees. He tried to be quiet but ended up sneezing. Immediately the mystery creature curled into a ball of spines. ये देखिए curled into a ball of spines. थोड़ा meticulous पूछा ठीक है देखिए कितना intelligent question UPSC ने put up कर लिया पैंगोलिन के बारे में पता था हमें हेजहॉग ये देखिए हेजहॉग को लेकर कांटेदार जंगली चूहा कहते हैं इसको ठीक है इसका last sentence देखिए इस article का it's giving the hint that hedgehog also rolls up, ये देखिए curls up, ये देखिए 1 and 3, UPSC का ध्यान देखिए ये आर्टिकल पता हम लोगों ने कवर किया था अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर जंगली कांटेदार चूहा के ऊपर लेकिन ये टेक्निकलिटी रोल अप करता है ध्यान में आया ही नहीं ये देखिए UPSC ने सवाल पूछ
One and three are correct. You can see it here. ये देखिए. Is this clear? Tell me, students. क्या ये clear हुआ question number 23 का answer? ये देखिए. Directly the Hindu से पेंगोलिन तो बार बार आ रहा है द हिंदू में, ठीक है, और डाउन टू अर्थ में ये रेडियो टैगिंग किया गया पेंगोलिन को मध्य प्रदेश में. एंड एंड ये देखिए यहाँ पे हेजहॉग के ऊपर सवाल, इसका मतलब इसे पेंगोलिन रोल अप करता है. सोचिए कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन एग्जामिनर है वहां पे जो सवाल बना रहा है इस जगह पे. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की तरफ. ये देखिए Which one of the following is a filter feeder? Filter feeder. आइए हम लोग एक दो सवाल बीच में छोड़ रहे हैं, हम बाद में बताएंगे, वो थोड़े टफ क्वेश्चन है जिस पे थोड़ा ध्यान ज्यादा लगाना पड़ेगा. आइए देखते हैं फिल्टर फीडर के रूप में, ठीक है, फिल्टर फीडर के रूप में कौन सा है? कैटफिश है, ऑक्टोपस है, ओस्टर है, पेलिकन है. आइए देखते हैं न्यूज. सो Can oysters clean up New York Harbor? ये देखिए. Juvenile oysters grow on shells reclaimed from restaurants as part of the billion oyster project in New York City. ये देखिए अप्रैल 22, 2019 का न्यूज है. ये देखिए 2021 में पूछा गया, oysters न्यूज में चल रहे थे क्लीनिंग अप करने के लिए हार्बर को, ठीक है. The project is re-establishing oyster reefs in the New York Harbor to help revitalize the waters. And इसी आर्टिकल में ये देखिए, जस्ट मिनट, अच्छा मैंने अटैच नहीं किया है, ठीक है. इसी आर्टिकल में मैं बता दूं, ये अप्रैल 22, 2019 का ये आर्टिकल देखिएगा, ओइस्टर्स के ऊपर डिटेल आया हुआ है. ये शायद मेरे हिसाब से संडे का न्यूज़ था एनवायरनमेंट का. ये देखिए, एंड दिस ओइस्टर्स आर फिल्टर फीडर्स. इसका मतलब क्या है ध्यान दीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिल्टर फीडर. जनरली वाटर गेट्स फिल्टर्ड बाई समथिंग विच इज स्टैटिक एंड मीन्स दिस, यहाँ से मीन्स पानी इनके थ्रू निकलता है, इनके थ्रू जाता है, एंड पास इट पासेस थ्रू देयर बॉडी एंड द ओइस्टर्स आर इन्वॉल्व, ठीक है. दे कैप्चर द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स क्लीन अप करने हैं, ठीक है, एक साइज के ऊपर के पार्टिकल्स वो कैप्चर कर लेते हैं, इसलिए इनको फिल्टर फीडर कहा जाता है. पानी पास होता है एंड फिल्टर होता चला जाता है. ओइस्टर्स को अब वाटर पॉल्यूशन रिमूव करने के लिए लाया जा रहा है, प्लास्टिक पोल्यूशन रिमूव करने के लिए, इसीलिए ये न्यूज में चल रहा है माइक्रो प्लास्टिक्स. ये देखिए, और मैं ये भी बता दूं जो रिमेनिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कैटफिश, ऑक्टोपस, पेलिकन्स, ऑल ऑफ देम आर बिग इन साइज. द ओइस्टर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड जितना स्मॉल रहेगा वही तो माइक्रो, छोटा छोटा माइक्रो पार्टिकल्स को ठीक क्लीन करेगा. यस, हाउ कैन ऑक्टोपस क्लीन इट? नॉट एट ऑल. ये देखिए, तो डायरेक्टली यहां से पूछा माइक्रोप्लास्टिक पे ये जगह जगह एप्लीकेशंस आ रहे हैं इसके, ओस्टर्स के. और एक नहीं दो तीन न्यूज आया था इसलिए मैं बता रहा हूं, न्यूयॉर्क हार्बर का तो यहां पे आया हुआ है. इट केम अप रिगार्डिंग इंडियन ओशन समवेयर, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अब कहां पड़े थे, डाउन टू अर्थ में पड़े थे या कहां पर, ओस्टर्स का दो तीन न्यूज आया एंड दिस इज वाई द क्वेश्चन केम अप. क्या इन वाटर पास करता है तो क्या ये पार्टिकल्स जो ये रोकते हैं क्या इनको हार्म नहीं करता? दे हैव अ वे ऑफ फिल्टरिंग द वाटर एंड दे हैव अ वे ऑफ मेकिंग इट इनटू सॉलिड पार्टिकल्स फॉर डिपोजिशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स. और ये रॉक्स के ऊपर रहते हैं, सीमेंटेड रॉक्स के ऊपर, सीमेंटेड पार्टिकल्स के ऊपर रहते हैं, दे आर वेरी मच अटैच्ड, वहां से हिलते नहीं है ये, दैट्स इट. चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया रिगार्डिंग द ओइस्टर्स. आइए देखते हैं आगे 31 नंबर क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मुरैना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आइए देखते हैं, इट इज अ सर्कुलर टेम्पल. देखिए चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, सर्कुलर टेम्पल है क्या, इंडिया के पार्लियामेंट बिल्डिंग का इंस्पिरेशन है. आइए देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस का वो आर्टिकल. ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस में एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, ये दोनों जगह पर ये आर्टिकल्स आए थे. ये देखिए क्या आर्टिकल्स आए थे, आइए देखते हैं, उस आर्टिकल को ही पढ़ लेते हैं, ठीक है. जब ये पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने की बात आई उस समय, ठीक है, एंड जब कहा गया जब दैट स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जा रहे हैं उसी समय ये न्यूज़ आया. मुरैना का टेंपल पहले देखिए डिस्कशन में है यहाँ पे. ये देखिए, दिस टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन टॉप ऑफ अ स्मॉल हिल एंड शोज अ सर्कुलर प्लान.
The temple is built on a high plinth and shows pillared cloisters that run around the wall facing an open courtyard. ये डिटेल्स दिया हुआ है, ये देखिए. According to an inscription, the temple was constructed by Maharaja Devpal of Kutch Pagat dynasty. ये देखिए dated 1380 के आसपास. ठीक है, ये उस समय बनाया गया मुरैना का टेम्पल, उसी के जस्ट नीचे. ध्यान दिए, द सेंट्रल श्राइन ऑल्सो होल्ड्स अ शिवलिंग. ये देखिए 64 सब्सिडरी श्राइन्स है, ये श्राइन्स है वहां पे शिवलिंग के, लेकिन मिसिंग है. ठीक है, का पूरा इमेज बनाया गया था सर्कुलर टेम्पल का. आइए देखते हैं 64, इसलिए नाम पड़ा है. ठीक, आइए देखते हैं आगे. उसी के नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में 64 योगिनी टेम्पल इन जबलपुर नियर रिवर नर्मदा, ऑन रिवर नर्मदा इन भेड़ाघाट एरिया नियर धुआंधर फॉल्स एंड मार्बल रॉक्स, जबलपुर के पास में. तो ये देखिए, ये सेकंड टेम्पल, ये सेकंड टेम्पल उसी जगह पे उसी आर्टिकल में डिस्कस, दैट्स इट. आइए देखते हैं मुरैना और जबलपुर. आइए देखते हैं ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इन दिस ईयर प्रीलिम्स. पढ़िए, रीड कीजिए और मुझे एलिमिनेट करके बताइए सही आंसर. एलिमिनेट करके बताइए सही आंसर, तब समझ में आ जाएगा कि आपने सही पकड़ा है. ठीक है, सो आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 2 मिनट्स एंड सी. एंड ये इस साल का पेपर है भाई, ये ईयर कौन सा है जब ये डिस्कस किया गया, ये फरवरी 2021 का है, ये न्यूज फरवरी 2021 का है, इंडियन एक्सप्रेस का. ठीक है, तो अब बताइए, कुछ कुछ डिटेल्स डेटा निकल रहा है उस आर्टिकल में से, क्या कुछ डिटेल्स एलिमिनेट भी हो रहे हैं उस आर्टिकल के कारण, मुझे बताइए. इसी आर्टिकल में जबलपुर में सेकंड बता दिया 64 योगिनी टेंपल, सॉरी सर्कुलर टेंपल, यस द सेकंड वन, सेम बता दिया यहां पे. अब बताइए, जब आप, इट इज द ओनली सर्कुलर टेंपल बिल्ट इन इंडिया, जब अगर आप 2 एलिमिनेट कीजिएगा तो आप बताइए क्या आपको यहां पे दिस आप आंसर पे आ जाइएगा. देखिए 2 एंड 2 एलिमिनेट कर रहे हैं आप, देखिए यहां हटा दीजिए, आप खुद ही मार्क कर लिए, आपको लगेगा दैट ये क्वेश्चन आया है स्टैटिक क्वेश्चन, इट केम फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस फरवरी कल्चर आर्ट एंड कल्चर एक्सप्लेन्ड कॉलम, दैट्स इट. हाँ, इसमें थर्ड वाला भी रॉन्ग है स्टेटमेंट, लेकिन अगर थर्ड वाला नहीं पता है फिर भी तो हिंट दे रहा यूपीएससी. ठीक है, नहीं बताइए मुझे, फिर भी हिंट दे रहा ना यूपीएससी, मुझे बताइए. थर्ड वाला भी एलिमिनेट हो रहा है बाय डिफॉल्ट. ठीक है, लेकिन वैष्णव कल्ट के कारण, लेकिन अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी आप अगर ये आर्टिकल पढ़कर जाकर बैठ रहे हैं वहां पे, तो क्या सेकंड वाले के कारण आप, क्या ये सी ऑप्शन आप सही मार्क करके आइएगा मुझे बता दीजिए. देखिए, लेट्स सी, इज इट क्लियर. फोर्थ ऑप्शन में 2, 3 एंड 4 था, 2, 3 एंड 4 फोर्थ ऑप्शन में, ये देखिए डी ऑप्शन में, ये तो ऐसे ही हट गया ना, बताइए मुझे. क्वेश्चन इस साल का यूपीएससी का प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स का है. करंट अफेयर्स टेक्स अप आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, एनवायरनमेंट. डू यू एग्री विद मी, लेट मी नो. पॉलिटी, ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. ये देखिए, ये तो आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है. क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स एलाबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर्स. एंशियंट टाउन्स वाटर हार्वेस्टिंग मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, ये देखिए शायद मैंने पढ़ाया था आप लोगों को इंदस वैली में, क्योंकि ये यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये द हिंदू में डिटेल आया था, और लास्ट ईयर जुलाई में द इंडियन एक्सप्रेस में भी वापस ढोलावीरा के बारे में पब्लिश हुआ वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में. देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्लियर कट नोट्स में पढ़ाया गया. ये देखिए, ढोलावीरा इज द करेक्ट आंसर, टॉपिक नंबर ए. ये देखिए,
वाटर कंजर्वेशन डैम्स एंड रिजर्वायर्स, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9 रिजर्वायर्स, देखिए यहाँ पे देखिए तो देखिए इंडस वैली के समय का सवाल, ये देखिए मिडिवल टाइम्स के मिडिवल हिस्ट्री का सवाल कल्चर का, ये देखिए ये समुद्र के अंदर जाकर सवाल, ये देखिए ठीक है ऑयस्टर्स के ऊपर, इसके पहले हेजहॉग के पास मद्रास में जाकर क्वेश्चन, ऑल दीज क्वेश्चंस, क्या इसका बैकग्राउंड करंट अफेयर्स से निकल रहा है, स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस हैं, कुछ भी सवाल करंट अफेयर्स से नहीं आया, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए करंट अफेयर्स से नहीं आया, लेकिन एक भी सवाल इन 40 सवालों में नहीं है जो जिसका करंट अफेयर्स का लिंक ना हो, मैं बता दूँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है आइए पढ़ते हैं। नहीं लोथल में है ही नहीं रिजर्वायर्स ना, रिजर्वायर्स की बात कर रहे हैं, 9 रिजर्वायर्स, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सवाल में 9 रिजर्वायर्स, ही देखिए यहाँ पे देखिए इस जगह पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स दिस 9 रिजर्वायर्स, देखिए यहाँ साफ साफ, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है अगला सवाल। तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है, ठीक है उसके ऊपर सवाल पुट अप कर दिया यूपीएससी ने, बहुत टफ क्वेश्चन फ्रीडम स्ट्रगल का, अगर उसका फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में अगर देखा जाए तो ये किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन तुरंत द हिंदू में, ठीक है फरवरी 27, 2021 का स्टेट का न्यूज, व्हेन जनगणमन गॉट इट्स ट्यून एंड इट वॉज ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, आइए देखते हैं इस सवाल का आंसर, ये देखिए विद रेफरेंस टू मदनपल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश द प्लेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, पिंगली वेंकैया डिजाइंड द ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग हेयर, पतावी सीतारामैया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र रीजन फ्रॉम हेयर, रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हेयर, मदाम ब्लावात्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट सेट अप द हेडक्वार्टर्स ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी फर्स्ट हेयर, फर्स्ट यहां नहीं था आदियार में था, मैं बता दूं आपको, ये देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर और नेशनल एंथम के ऊपर, मैं बता दूं आपको दिस ये फरवरी 27, 2021 का एग्जैक्ट, इसके पहले केवल लिरिक्स थे जनगण मन में, लिरिक्स लिखित था बंगाली में, यहीं पे ट्रांसलेट किया गया, यहीं पे ट्यूनिंग मिला इसको, ये देखिए मार्गरेट कजिन्स रोट द म्यूजिकल नोट्स फॉर टैगोर्स लिरिक्स इन मदनपल्ले इन 1919, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे थियोसोफिकल सोसाइटी भी था लेकिन नॉट द फर्स्ट वन, बाद में एस्टैब्लिश हुआ है, गेटिंग द पॉइंट, दिस इज द प्लेस वेयर जनगण मन गॉट इट्स ट्यून एंड इसी आर्टिकल का है डायरेक्ट इनपुट्स एंड इट वॉज फ्रॉम हेयर चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में वेयर बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया पहली बार, ये देखिए तो दिस इज इट स्टूडेंट्स यू कैन सी इट हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फॉरगॉट आई हैड अ स्पेशल क्लास ऑल्सो, मैंने आज शेड्यूल किया था क्लैश कर गया, चलिए कोई नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द जेसुइट ऑर्डर, सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड ठीक है एंड अ चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर, द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, आइए देखते हैं। अ टीम फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल द इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल 7 महीने पहले का ओवर दिस सेंट फ्रांसिस जेवियर के दिस जो रिमेन्स हैं जो वहाँ पे एक दिस चर्च है उनके लिए डेडिकेटेड उसके ऊपर रेस्टोरेशन वर्क को लेकर, आइए देखते हैं लेट्स सी। अ टीम फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विल थर्सडे बिगिन रेस्टोरेशन वर्क ऑन द 4th century old कैस्केट कटिंग द रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ जेसुइट ऑर्डर एट द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इन ओल्ड गोवा द चर्च ऑफिशियल सेड, ये देखिए हैव अ लुक,
The remains of the Spanish saint is one of the biggest attractions at the Basilica of Bom Jesus in Old Goa, visited by devotees and tourists from across the world. And the church will otherwise remain open for the period the work is in progress. अब यहां से हमें दो स्टेटमेंट डायरेक्टली मिल गए, तीसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट था, यहां लिखा नहीं था, ठीक है। तो ये देखिए, सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ जेसुइट ऑर्डर, यस। ये देखिए ट्रू स्टेटमेंट, ये देखिए। नेक्स्ट ये देखिए, दिस एंड दिस ही इन दिस आर्टिकल इट्स रिटन हिज रिमेन्स, ही डाइड हियर, हिज रिमेन्स are there, his remains are there in that this basilica of bomb jesus is old goa, aur wahin pe church banaya gaya, usi ka restoration work chal raha hai, ye dekhiye। lekin teesra statement frankly talking nahi diya hua tha, isko pata karna tha, agar means ye har saal goa mein shayad december mein feast of saint francis xavier hold kiya jata hai, celebrate kiya jata hai, the third one hame मीन्स थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर, ये द हिंदू में छोटा सा आया था दैट इस साल कोविड के कारण, इस साल 2020 की बात है, इस साल कोविड के कारण नहीं सेलिब्रेट होगा सेंट फ्रांसिस जेवियर का फीस्ट, बस यही न्यूज था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस ईयर 2020 दिसंबर की बात है, दिस ईयर देर वुड बी नो फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर बिकॉज ऑफ कोविड 19 रेस्ट्रिक्शंस। बस तो फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर दिसंबर का न्यूज, और यहीं से बस। लेकिन ये फार फेचेड कहना होगा कि ये इजी क्वेश्चन था, नो। द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स यू माइट गेट फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज, द थर्ड वन यू विल हैव टू बी प्रोएक्टिव टू रिमेंबर। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ईजी पेपर है, बहुत ईजी नहीं, नहीं ठीक है। तो वन एंड टू तो कम से कम मिला ना, मुझे बताइए। आप बोलते हो ना कि ये दिमाग से ऊपर जाने वाला सवाल था, डू यू एग्री टेल मी? ये दिमाग से ऊपर जाने वाला सवाल था, एग्री कर रहे हैं क्या? दो स्टेटमेंट आपको करंट अफेयर से मिल गया, मुझे बता दीजिए, ठीक है। द फीस्ट इज हेल्ड एवरी ईयर इन गोवा, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या दो स्टेटमेंट नहीं जानना, ठीक है, ध्यान दीजिए, नहीं जान रहे हैं कुछ भी, पता ही नहीं चल रहा है क्या है, और उसके बाद कुछ तो जान गए यहां पे, ठीक है। ऑल थ्री आर करेक्ट, मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, कोविड के कारण उस साल रेस्ट्रिक्शंस लगे थे, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा सेलिब्रेशन, विजिटर्स विल नॉट बी अलाउड, इतना लिखा हुआ था, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज द बेथुन फीमेल स्कूल? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन, और इसमें जो एसोसिएटेड पर्सनैलिटी हैं वो कंट्रोवर्सी में थे वेस्ट बंगाल में, उनके स्टैचूज को लेकर 2020 की बात है, ठीक है। तो दिस स्टैचूज को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी वेस्ट बंगाल में इरप्ट किया था, गेटिंग द पॉइंट। तो ये बताइए क्या यहाँ पे, ठीक है, क्या स्टूडेंट्स ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की बात होती है? बिकॉज दिस इज द ओनली पर्सनैलिटी, ये शायद 1849 की बात है, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, एंड ही वॉज वन ऑफ दोज रिफॉर्मर्स। आपने मेरी पीडीएफ में देखा भी होगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पीडीएफ जो मैंने पोस्ट किया था ग्रुप पे, उसमें देखा होगा, लिखा हुआ है बेथुन स्कूल, इन्होंने दिस नेम वॉज एसोसिएटेड विद द बेथुन स्कूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, और इनके ऊपर न्यूज़पेपर रंग दिया गया था 2020 में, मैं बता दूं इंडियन एक्सप्रेस में। मैंने यहाँ आर्टिकल इसलिए नहीं दिया क्योंकि लगभग 8-10 आर्टिकल, 8-10 आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के ऊपर, सही थे, गलत थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कॉन्ट्रोवर्सी क्यों हुआ, इन सब के ऊपर पॉइंट्स वहाँ पर। Is it clear? Tell me, students. तो C is the correct option. और ये static portion में भी दिया हुआ है, current affairs में भी है। Static नहीं पढ़ा तो current affairs पढ़ लीजिए, आपको वहाँ भी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले topic की तरफ, ठीक है। ये देखिए 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यूनिसेफ मनाता है। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स,
कुछ कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं कल्चर के, कल्चर आई एम टॉकिंग अबाउट आर्ट एंड कल्चर, कल्चर के आर्टिकल्स द इंडियन एक्सप्रेस से बाहर सवाल नहीं जा रहे हैं, मैं बता दूंगा। अब आइए देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल फरवरी 21 के बारे में, फरवरी 23 को छपा था, ये देखिए, वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे विच आर मोस्ट वाइडली स्पोकन, यूनेस्को डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इन 1999 टू कमेमोरेट अ 1952 प्रोटेस्ट अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान इम्पोजिशन ऑफ उर्दू एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट डे बांग्लादेश। अब बताइए मुझे क्या ये सब हेडिंग कुछ आपको इशारा कर रहा है, मैं बता दूंगा आपको, एक्सप्लेन पेज में कल्चर जो कवर करके जाएगा, कल्चर जो कवर करके जाएगा उसको कल्चर में कहीं एक एक भी जगह बाहर नहीं देखना पड़ेगा, मैं बता दूंगा आपको। ये देखिए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड आर्टिकल ऑन फरवरी 25, 1948, ये देखिए धीरेन्द्र नाथ दत्ता हैड अर्ज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान टू रिकॉग्नाइज बंगाली एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये देखिए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे रिमेंबरिंग धीरेन्द्र नाथ दत्ता एंड अदर्स हु डाइड फॉर बंगाली लैंग्वेज। ये देखिए दत्ता टिल हिज लास्ट ब्रेथ फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ हिज कंट्री एंड वॉज टॉर्चर्ड टू डेथ इन मैनामाती कंटेनमेंट इन 1971। देखिए ये दोनों के सब हेडिंग्स आपको इशारा कर दिए, ये फरवरी 23 मैं बता दूं आपको 2021 का न्यूज है, ये फरवरी 25, 2021 का न्यूज है, ये देखिए, और अक्टूबर अक्टूबर 10 को एग्जाम था 2021 को, ये देखिए। ट्वेंटी फर्स्ट फरवरी का ही ये दिन, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट, 21st फरवरी, यस लेट मी टेल यू, 21st फरवरी इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया, 23 फरवरी को न्यूज आया, 25 फरवरी को न्यूज आया, और 25 फरवरी को पाकिस्तान वाला दिस पाकिस्तान में बंगाली लैंग्वेज की डिमांड्स उठी थी, दैट्स इट, 1 and 2 आर करेक्ट। ये देखिए सीधे कल्चर से उठाया। अब आप ये बताइए इस सवाल को देखकर क्या लगेगा इंसान को जब पहली बार यूपीएससी में पढ़ेगा तो क्या लगेगा, मुझे बताइए क्या लगेगा, यही लगेगा ना दैट पता नहीं कहां सवाल पूछ दिया, पुटअप कर दिया, मुझे तो पढ़ा नहीं था हम लोगों ने, नहीं इट्स नॉट ओनली टू, इट्स बोथ, लेट मी टेल यू, ठीक है, इट्स बोथ। ये देखिए यहां देखिए लिखा हुआ है वाई फरवरी 21 उस आर्टिकल का, यूनेस्को डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इन 1999 टू कमेमोरेट 1952 प्रोटेस्ट अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, इंपोजिशन ऑफ उर्दू एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, इन बांग्लादेश सिंस 1953 फरवरी 21 इज ऑब्जर्व्ड एज एकुशे डे आफ्टर द बंगाली वर्ड फॉर 21। ये देखिए यस 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 सॉरी दिस आउट हियर, ये देखिए दिस एकुशे डे दिस 21, ठीक है, ओके सॉरी आई एम रियली सॉरी, यस यूनिसेफ नहीं यूनेस्को होगा, आई एम रियली सॉरी, यस 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 यूनेस्को, सॉरी इट्स टू ओनली इज करेक्ट, ठीक है, यस यस आई एम सॉरी, ठीक है, इट्स यूनेस्को। तो आप बताइए क्या कल्चर का ये टू ओनली इज करेक्ट, यस मेटिकुलस ऑब्जर्वेशन, थैंक्स फॉर, ठीक है, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी आउट हियर, यस ठीक है, यूनेस्को, ठीक है, 21 फरवरी यूनेस्को ने डिक्लेयर किया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, और बांग्ला लैंग्वेज के लिए उसी समय डिमांड उठा था। अब बताइए टू ओनली इज करेक्ट, आई एम रियली सॉरी आउट हियर फॉर द मिस्टेक, टू ओनली इज करेक्ट। नाउ टेल मी वन थिंग, ये क्वेश्चन देखकर कल्चर का लगेगा कि ये सवाल कहाँ से पुटअप किया, इतना फैक्चुअल क्यों पुटअप कर रहा है, क्योंकि एक्सप्लेन कॉलम में कल्चर में इंडियन एक्सप्रेस में आया, और इस बार भी ऐसे क्वेश्चन पिकअप किए जाएंगे। मैंने कल्चर से ही शुरुआत किया, आपने ध्यान दिया होगा 50 डेज क्रैश कोर्स जो चल रहा है करेंट अफेयर्स के ऊपर, ठीक है, मैंने कल्चर से ही शुरुआत किया, इसी वजह से कल्चर से 20-22 न्यूज़ है केवल, लेकिन दे आर गारंटेड गोइंग टू गिव 4 questions इन यूपीएससी। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट विद रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पाम ऑयल को लेकर स्टेटमेंट्स दिए हुए, द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, ये तो मैंने खुद पढ़ाया था आपको करंट अफेयर्स में पिछले साल, अब मुझे तारीख याद नहीं है, शायद पाम ऑयल के ऊपर मिशन प्लान किया जा रहा था, द हिंदू में आया था आर्टिकल, और उसके बैकग्राउंड में पढ़ाया गया था दैट दैट
अफ्रीका में का नेटिव है पाम ऑयल ट्री, ये देखिए अफ्रीका का नेटिव है। दिस आई टॉक्ड अबाउट इन द सेशन ऑफ मॉर्निंग करंट अफेयर्स, द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। रॉन्ग, इट्स नेटिव टू अफ्रीका, दो इट इज ग्रोन मोर वाइडली प्रेजेंट इन साउथ ईस्ट एशिया। बस वन हटा दो, रास्ता निकल गया, ये देखिए। तो आइए देखा जाए कितने सवाल हो गए हैं। पाम ऑयल का ये सवाल एक सवाल, ठीक है। सेकंड, ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का सवाल दूसरा सवाल, ये हिंदू फीमेल स्कूल बैथून फीमेल स्कूल तीसरा, सेंट फ्रांसिस जेवियर फोर्थ, मदना पल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश फिफ्थ, ढोलावीरा सिक्स्थ, 64 योगिनी टेम्पल सेवन, ऑयस्टर्स एट, हेजहॉग एंड पैंगोलिन नाइन, मॉसेस एंड लाइकन 10, फर्नेस ऑयल 11, कॉपर स्मेल्टिंग 12, लेमन ग्रास 13, बॉन्ड यील्ड्स 14, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 15, आरबीआई 16। ये देखिए 16 सवाल हो गए हैं, अभी चार सवाल डिस्कस नहीं किया मैंने टफ वाले 1 टू 50 में। कितने हो गए टोटल? 20 क्वेश्चंस, 16 + 4 = 20। ये सब का बैकग्राउंड करंट अफेयर्स से ही कहीं ना कहीं लिंक्ड। करंट अफेयर्स का मतलब अगर आप ये समझते हैं केवल कि फ्रंट पेज इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल पेज इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी इंपॉर्टेंट, तो भूल जाइए करंट अफेयर्स को। द रियल इंपॉर्टेंस इज ऑफ एक्सप्लेन्ड कॉलम एंड द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ द हिंदू, दैट्स इट। 50 डेज क्रैश कोर्स चल रहा है अनअकैडमी आर्टिकुलेट पर, कल से फिर से चालू हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्राह्मणी, नागवल्ली, सुवर्णरेखा, वंशाधारा। तो वंशाधारा के ऊपर डिस्प्यूट अराइज किया, ये देखिए ओडिशा और आंध्र प्रदेश में, डू यू एग्री, ये देखिए आंध्र प्रदेश में वंशाधारा। जैसे ही कोई पढ़ाता है तुरंत उसके बगल में एक नदी निकलती है नागवल्ली, ये भी पढ़ाया जाता है, यस। सुवर्णरेखा एंड ब्राह्मणी रिवर्स, ध्यान दीजिएगा स्टैटिक पोर्शन है लेकिन स्टिल वंशाधारा एंड नागवल्ली देवर न्यूज लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। अगर स्टैटिक पोर्शन देखा जाए तो आप ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा एलिमिनेट कीजिएगा, आपको आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों ईस्टर्न घाट से राइज नहीं करती है, वन एंड थ्री एलिमिनेट कर दीजिए। लेकिन एलिमिनेट करने के अलावा अगर आपको जाना है, ठीक है, आपको जाना है नॉलेज देखने के लिए लिटरली क्या ये दोनों रिवर्स हैं वहां पे, करंट अफेयर्स ये देखिए वंशाधारा, आई डिस्कस्ड इट माई सेल्फ, ठीक है, इन डाउन टू अर्थ मैगजीन, इट हैड कम अप इफ आई नॉट रॉन्ग, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में डिस्कस किया था हम लोगों ने, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में, याद कीजिए अक्टूबर 10 को एग्जाम था और दो हफ्ते पहले, ठीक है, क्लियर कट ये दोनों नदियां नाम लिखी हुई थी 2 और 4, नागवल्ली एंड वंशाधारा, ये देखिए, दैट्स इट, नागवल्ली एंड वंशाधारा, दैट्स इट। आई डिस्कस्ड इट इन डिटेल, आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स। जो मुझे फॉलो कर रहा है करंट अफेयर्स में, मैंने ISBA इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी पिछले 2 साल में कम से कम नहीं तो 30-40 बार नाम लिया होगा, मैंने एग्री कर रहे हैं, नाम लिया होगा, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जमैका, किंगस्टोन में हेडक्वार्टर्स, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, कुछ मैंने बताया है आप लोगों को इसके बारे में, टेल मी, इंटरनेशनल वाटर्स में, इज इट क्लियर। तो ये देखिए यहां पे, आइए देखते हैं इस सवाल को पढ़ते हैं, आइए देखते हैं समझ में आ जाएगा। द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंसेस फॉर सीबेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स, सीबेड, ये देखिए, इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंसेस फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इंटरनेशनल वाटर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इंटरनेशनल वाटर्स, तीनों स्टेटमेंट,
और अगर आप मेरा सेशन फॉलो करते हैं तो मैंने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में डिस्कस किया था, ISBA कह लीजिए, ISA कह लीजिए, किंगस्टन में इसके हेडक्वार्टर्स, मैंने कहा था इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू गेट द लाइसेंस फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉली मेटालिक नोड्यूल्स इन इंडियन ओशन। और अभी वापस से समुद्रयान मिशन के समय मैंने पढ़ाया था आपको ये टॉपिक, समुद्र यान मिशन, कुछ सुना है आपने? टेल मी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, यस। तो किंगस्टन जमाइका, ये देखिए मैंने ये भी बताया था जमाइका इज फेमस फॉर बॉक्साइट जब मैं मैपिंग पढ़ा रहा था, ये देखिए। यस, PDF अवेलेबल होगा भाई, ठीक है, जितने भी कोर्सेज होंगे उसके। ठीक है, सी बेड एक्सप्लोरेशन देखिए तो साफ साफ वन एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्लियर कट वन इज एलिमिनेटेड, द यू कैन डायरेक्टली दिस डेराइव द आंसर ऑफ 2 and 3, बी इज करेक्ट। ये देखिए, सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स, ये देखिए इंटरनेशनल वाटर्स का मतलब क्या है, आफ्टर द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, सुना है ना, EEZ 200 नॉटिकल माइल्स के बाद होता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, आइए देखते हैं ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस से ही आ सकता है, मैं बता दूं आपको, एग्रीकल्चर रिलेटेड सारे टॉपिक्स, और ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस से ही न्यूज़ आया है, इसीलिए मैंने इस बार फाइनेंशियल एक्सप्रेस इंटीग्रेट किया आपने पढ़ाने में, आपने देखा होगा ये लास्ट ईयर का फाइनेंशियल एक्सप्रेस का जनवरी का न्यूज़ है, ये देखिए। In fact, after seeing the prelims of last year, I came to realize that yes, newspapers में जितने newspapers हैं सब जगह की अपनी specialties और वहाँ सवाल पुटअप किया जा रहा है। आइए पढ़ते हैं, ये देखिए, Moringa drumstick tree is a leguminous evergreen tree. Tamarind tree is endemic to South Asia. In India, most of the tamarind is collected as minor forest produce. इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा, ये आया यही था, मैं बता दूं न्यूज़, दैट एक्सपोर्ट्स ऑफ मोरिंगा सीड्स प्रमोट किया जा रहा है तमिलनाडु में, इंडिया इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ सीड्स ऑफ मोरिंगा, एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। 5 का 5 स्टेटमेंट दिमाग आउट करने वाला, ये देखिए लास्ट ऑप्शन 1, 2, 3 and 5, ठीक है लास्ट ऑप्शन दिया, मैं लिख रहा हूं। अब इस बार आपने याद किया होगा घेरकिंस के ऊपर कुछ आया था, टेल मी, सारे क्रॉप्स का इंपॉर्टेंस नहीं मैं बोल रहा हूं, घेरकिंस के ऊपर कुछ आया था क्या, कुछ टी के ऊपर आया था, कितने क्रॉप्स आते हैं जिनकी टेक्निकलिटीज आती है एग्रीकल्चर में, टेल मी, hardly 4-5 crops. I'm not talking about wheat exports, I'm not talking about rice exports, I'm not talking about the marine exports, let me tell you, I am not talking about exports of agriculture crops, I'm talking about the technicalities of agriculture crops grown in the country. इस बार this gherkins के ऊपर आया हुआ है, ठीक है, और second मैं बता दूं इस बार दो ही crops, इस बार tea के ऊपर discussion आया हुआ है, if I'm not wrong you might have seen. आइए देखते हैं यहां पर, मोरिंगा ड्रमस्टिक ट्री इज अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री, लेग्यूमिनस नहीं है, इट्स अ नॉन लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस का मतलब पता है आप लोगों को, टेल मी स्टूडेंट्स, और ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट फाइनेंशियल एक्सप्रेस से उठाया गया, नहीं भी पता है आपको, इट्स अ नॉन लेग्यूमिनस ट्री, लेट मी टेल यू, एंड इट इज फाउंड इन दिस इट्स फाउंड इन डिसीडियस बेल्ट, इट्स अ नॉन लेग्यूम प्लांट, क्लियर कट। सेकेंड, टैमरिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया, नो नॉट एंडेमिक, टैमरिंड ट्री पूरे अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक पाया जाता है, इनफैक्ट अगर ये सवाल पुटअप कर दिया जाए किसी ट्री के बारे में, ठीक है, ये रॉन्ग ही होगा, पता है क्यों, जहां कहीं भी वो कंडीशंस होंगी, ध्यान दीजिएगा कंडीशंस होंगी, क्या वो ट्री ग्रो करेगा, मुझे बताइए, क्या वो ट्री ग्रो करेगा मुझे बताइए, यस, ये टैमरिंड ट्री इज एंडेमिक, एंडेमिक मीन्स केवल यहां पाया था, नहीं, मैक्सिमम मैं बता दूं आपको दिस अगर उस पूरे टेरिटरी में मीन्स उस पूरे ट्रॉपिकल बेल्ट में लैटिट्यूड में जमीन है कहीं
तो वहां भी वो ट्री पाया जाना चाहिए. दैट्स इट एट प्रेजेंट. सो टैमरिंड ट्री इज नॉट एंडेमिक टू साउथ एशिया. इट्स फाउंड राइट फ्रॉम द डिसीडियस बेल्ट्स ऑफ अफ्रीका टूवर्ड साउथ ईस्ट एशिया. एंड इन फैक्ट उसमें एक पार्ट साउथ एशिया मीन्स वन ऑफ द रीजन इज साउथ एशिया. देखिए तो ये देखिए टू इज रॉन्ग, वन सॉरी वन इज रॉन्ग एंड टू इज रॉन्ग. लेकिन इन दोनों के लिए टेक्निकलिटीज पता रहना जरूरी है. आप थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा या थोड़ा सा करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में मोरिंगा के ऊपर आया था न्यूज, इसलिए ये सवाल पुटअप किया गया. तो 3, 4, 5 इज करेक्ट आउट हियर. 1 and 2 एलिमिनेट कर दीजिए, आपको खुद आंसर मिल जाएगा. इनफैक्ट 1 एलिमिनेट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. व्हेन यू एलिमिनेट 1 यू विल गेट द पॉइंट. टेल मी स्टूडेंट्स, ये देखिए 2 पढ़ना ही नहीं. आई एम कंप्लीटली रॉन्ग आउट हेयर. आई एम कंप्लीटली रॉन्ग आउट हेयर. ध्यान दीजिएगा, 2 आपको देखना भी नहीं है. मुझे बताइए क्या नॉन लेग्यूमिनस ट्री है, इसी से आप पूरा सवाल सॉल्व कर दीजिएगा. मुझे बताइए, मैंने ऑप्शन देखा ही नहीं था यहाँ पर. 3, 4, 5 ठीक है. ये देखिए 1 एलिमिनेट कर दो, सब आंसर पे डराइव हो जाएगा. ये टैमरिन ट्री देखना ही नहीं है. वही तो मैं सोचा कि ये न्यूज में आया नहीं था, कैसे पुटअप कर दिया यहाँ पर. ड्रमस्टिक ट्री मोरिंगा के ऊपर न्यूज आया था लास्ट ईयर. मोरिंगा एक्सपोर्ट्स हो रहा है, मोरिंगा नॉन लेगुमिनस ट्री है, ये सारे पॉइंट आया था फाइनेंशियल एक्सप्रेस में. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 63 हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं. अगला टॉपिक ये देखिए, 2 मिनट्स पहले इजी वाले क्वेश्चंस कर लीजिए. बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिंदू. तेलंगाना में एग्रीकल्चर का टॉपिक ये देखिए. बॉल गार्ड 1, बॉल गार्ड 2 एंड बॉल गार्ड 3 कॉटन सीड्स. ये देखिए, यस आई विल शो द न्यूज ऑफ दिस. आपने जो देखा अभी दिस अबाउट द मोरिंगा सीड्स, आई विल शो द न्यूज, नो नीड टू वरी. तो मुझे बताइए बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2 क्या कुछ. बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2 क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स. ये देखिए प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेज. ये देखिए प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स. ये देखिए तो क्या बीटी कॉटन. मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये देखिए बीटी कॉटन क्या आपने पढ़ा है, मुझे बताइए. ये देखिए बीटी कॉटन में ही डिफरेंट वराइटीज हैं. तो ये देखिए बैसिलस थुरैंजेनेसिस कॉटन, दैट्स इट. और ये देखिए यहाँ पे बैन लगाया गया है. देखिए आप द स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन टू इंक्रीज द क्रॉप एरिया ऑफ कॉटन बाय 10.55 लाख एकर्स फॉर फार्मर्स टू बी एबल टू एक्सेस इट्स इन्वेस्टमेंट सपोर्ट मनी थ्रू रायतु बंधु स्कीम. ये देखिए उसी के ऊपर देखिए टॉपिक है. क्लियर कट द क्वेश्चन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग कॉल्ड एज डेवलपिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स. इज इट क्लियर, टेल मी. ये देखिए जीएम क्रॉप बीटी कॉटन का न्यूज था, ठीक है. बॉल गार्ड 1, 2 and 3 टेक्नोलॉजीज, बैन लगाया गया बॉल गार्ड 3 पर तेलंगाना में. ये न्यूज एग्जैक्ट डेट नहीं मुझे पता है, लेकिन द हिंदू का मैंने जितना न्यूज निकाला स्टूडेंट सब एक साल के अंदर के थे, मैं बता दूं आपको. इज दिस क्लियर, मुझे बताइए. आगे बढ़ चले हम लोग, आइए आगे कुछ और फैक्चुअल क्वेश्चन देखते हैं जो सवाल पूछे गए पर्यावरण से, ठीक है. आइए देखते हैं. ये तो देखिए साइंस एंड टेक का है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग जानते होंगे. कोरोना वायरस ने सब बता दिया, ठीक है. द टर्म ACE2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 73. ये देखिए इसका क्या होगा मुझे बता दीजिए स्टूडेंट्स. ठीक है, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जो भी आपने सवाल पूछा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. पहले ये देख लीजिए ACE2 क्या कुछ, ACE2 इनहिबिटर क्या कुछ, स्पाइक प्रोटीन कुछ सुना है आपने कोविड के कंटेक्स्ट में, दसियों बार पढ़ाया गया है करंट अफेयर्स में. क्लियर कट, जिसको भी साइंस एंड टेक के बारे में शुरुआती जानकारी होगी डेल्टा स्ट्रेन के बारे में, वो इसे मार्क करेगा सही. ये देखिए डी इज द करेक्ट आंसर, हैव अ लुक.
इसका मैंने इसलिए नहीं अटैच किया न्यूज़, क्योंकि इसके न्यूज़ इतने ज़्यादा थे कि न्यूज़ पढ़ते पढ़ते इंसान पागल हो जाए ACE2 के बारे में, स्पाइक प्रोटीन एंड ACE2 इनहिबिटर रिसेप्टर्स जिसके थ्रू मींस अटैच होते हैं ये कोविड के वायरस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, ट्राइक्लोसैन कंसिडर्ड हार्मफुल व्हेन एक्सपोज्ड टू हाई लेवल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्राइक्लोसैन करेंट अफेयर्स है या नहीं, आइए देखते हैं। ट्राइक्लोसैन ये देखिए, द हिंदू फरवरी 2021, आइए देखते हैं। ये साइंस एंड टेक का टॉपिक आया था। स्टडीज हैव शोन दैट 10-90% ऑफ द फार्मास्यूटिकल एंड पर्सनल, डायरेक्टली साइंस एंड टेक पढ़ने से मैंने उठाया, मैं बता दूं आपको। ठीक है, साइंस एंड टेक के ऑनलाइन न्यूज से ये देखिए। तो यहाँ स्टडी किया गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड फार्मास्यूटिकल वेस्ट, ये देखिए। यहीं पे द टीम स्टडीड द डिग्रेडेशन पैटर्न ऑफ ट्राइक्लोसैन एंड कार्बामेज़ेपीन, ये देखिए। ट्राइक्लोसैन इज अ कॉमनली यूज्ड एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड इन टूथपेस्ट डिटर्जेंट एंड सोप। कार्बामेज़ेपीन इज अ वाइडली यूज्ड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ये देखिए। ट्राइक्लोसैन कार्बामेज़ेपीन, देखिए द हिंदू का साइंस एंड टेक में हमेशा से बोलता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है न्यूज सारे उसके। ठीक है, तो ये देखिए, अब बताइए मुझे ये देखिए यहाँ पे, अब समझ में आ गया क्या है, बताइए। टूथपेस्ट में, साबुन में इस्तेमाल हो रहा, देखिए द करेक्ट आंसर इज डी आउट है, ये देखिए। आपको लगेगा फैक्चुअल टॉपिक, आपको लगेगा स्टैटिक से पूछा है, करंट अफेयर्स में ये देखिए, इसको इस एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड है और डिटर्जेंट सोप और टूथपेस्ट में पाया जाता है, देख लीजिए। देखिए एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी, ठीक है, सीजर्स। एपिलेप्सी इज अ होल सेट ऑफ सिंड्रोम्स, मैं बता दूँ आपको, कोई बीमारी नहीं है वो। ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक मीन्स मिर्गी का दौरा रोकने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक है, चलिए, सो इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, मुझे ट्राइक्लोसैन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू एंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। अब बोलिएगा सर ये तो बहुत ईजी है सर, ठीक है, ये तो बहुत ईजी है सर, मार्क करने ईजी है, सोर्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ना। ठीक है, कितनी बार मिनिस्ट्रीज और उसके नोडल एजेंसीज और उसके प्रोग्राम्स को लेकर सवाल कन्फ्यूजिंग आ जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है दैट इस जगह पे ये क्वेश्चन क्यों आया, मैं बता दूं, क्या कुछ एविक्शन हुआ था शेड्यूल ट्राइब्स का, मुझे बताइए, उनके जमीनों से मुझे बताइए, एविक्शन हुआ था, ठीक है, उनकी जमीन रिकग्नाइज नहीं की गई थी, क्या मैंने टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट ईयर, मुझे बताइए। दिस टॉपिक वॉज डिस्कस्ड लास्ट ईयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वॉज डिस्कस्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च, एविक्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब द ट्राइबल ड्वेलर्स, और कर्नाटका में कुछ हुआ था न्यूज उसको लेकर, और तभी ये शेड्यूल ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 न्यूज में आया था, ये देखिए उसी न्यूज में मैंने बताया था आप लोगों को, और जैसे मीन्स उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था उसमें। ठीक है, एविक्शन क्यों हुआ था, जमीन से क्यों निकाला गया था, क्योंकि उनके पास कागजात नहीं थे और कागजात तैयार नहीं थे उनके पास। ठीक है, देखिए उनके पास कागजात कहाँ से आएंगे, पेपर वर्क तो रहेगा नहीं उनके पास, दे हैव अ कम्युनिटी ओनरशिप। आप कहते हो ना ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है, ट्राइबल्स कहते हैं ये हमारी जमीन है। ठीक है, और यही वजह है दैट दे वर एविक्टेड, क्योंकि एक तारीख तो फिक्स करना पड़ेगा ना कि ये किसकी जमीन है, तो ये इसी एक्ट के तहत और दिस एक्ट एंड द रिलेटेड दिस टॉपिक्स ऑफ एविक्शन फ्रॉम द लैंड केम इनटू न्यूज, और तुरंत उसके बाद उसी आर्टिकल में ये लिखा हुआ था साफ साफ कि शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 2006 नोडल मिनिस्ट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ऐसे भी आप लिंक कर सकते हैं, लेकिन न्यूज में रहिएगा तो लिंक इजीली होगा, ये देखिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं, इजी टॉपिक बट रेफरेंस इन करंट अफेयर्स, आगे। ये सवाल क्यों पूछा,
2020 से एक बिल लाने का डिस्कशन चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने वो उसके ऊपर आर्टिकल दिया लास्ट ईयर, और वो आर्टिकल था प्रीएम्बल मॉडिफाई करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रीएम्बल मॉडिफाई करना है, प्रीएम्बल हैज टू बी मॉडिफाइड अमेंडेड, उसके लिए बिल लाने की बात थी। अभी उस पर बवाल मचा था लास्ट ईयर के दिस बजट या मानसून सेशन में, मैं बता दूंगा। और फिर इंडियन एक्सप्रेस ने 2020 दिसंबर या 2021 का जनवरी, ठीक है, उसमें पॉलिटी में पॉलिटिक्स में ये पुटअप किया प्रीएम्बल के बारे में। ठीक है, क्या प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है, प्रीएम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है, क्या क्या वर्ड्स ऐड किए गए हैं। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या प्रीएम्बल अमेंड किया गया है? यस क्या दो वर्ड्स इन शब्दों में ऐड किए गए थे? मुझे बताइए, जो पहला सेंटेंस है आफ्टर वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ऐड किया गया था बाद में? मुझे बताइए। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को नहीं था ये सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, लेट मी टेल यू, इट वाज अ ओनली अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेट मी अश्योर यू। ये देखिए, वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड बाय इंदिरा गांधी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये देखिए, क्लियर है, अमेंड किया गया, इजी है, ट्रैप भी है ना, इजी है कि नहीं बताइए, ट्रैप भी है। अब रे यूपीएससी का इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, और मैं लिख के दे रहा हूं 10 में 5 लोग इसको गलत करके आएंगे, क्योंकि वो ये डेट नहीं पढ़ेंगे। ये देखिए, ये डेट पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम में इतना प्रेशर रहेगा ना कि उनका बर्थ डेट याद नहीं रहेगा आपको अपना। ये डेट छोड़ दीजिए, और इसीलिए आधे लोग यहीं पे ये इसे कहते हैं ट्रिक, ट्रैप, आप कुछ भी कह लीजिए, ट्रैप कह लीजिए, इसे कहते हैं वो सवाल जो आपको रेस से बाहर कर, आप नहीं कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको सही कर रहे हैं यू आर नॉट गोइंग अहेड, बट इफ यू आर नॉट डूइंग इट यू आर लूजिंग अपॉन 2 important marks, लेट मी टेल यू। और मैं ये भी बता दूं यहां पे, अब जो ये फादर जेवियर का आया था वो 1,00,000 लोगों में 5 लोगों ने सही किया, मैं बता दूं आपको, ठीक है, फ्रेंकली टॉकिंग, ठीक है, ये जेवियर वाला, ठीक है, इतने लोगों को समझ नहीं आया होगा, ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े विद्वान हैं, यू आर द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन अपॉन अर्थ, ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं वो टॉपिक तो कोई बात नहीं है, सब कोई नहीं कर रहा, आप उसी भीड़ का हिस्सा है, नथिंग एल्स। इज इट क्लियर? ये 26 जनवरी 1950 क्यों मेंशन है? क्योंकि रिपब्लिक डे शुरुआत वहीं से हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, दैट्स इट। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स के लिए केवल इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज, कल्चर एंड स्पोर्ट्स ओनली इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन कॉलम, लेट मी टेल यू, कुछ नहीं देखना है। और आइए देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड एंड द आर्बर डे फाउंडेशन हैव रिकॉग्नाइज्ड हैदराबाद एज द 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट टू, हैदराबाद वॉज सेलेक्टेड फॉर द रिकॉग्निशन फॉर अ ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू ग्रो एंड मेंटेन द अर्बन फॉरेस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स? बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन। देखिए, यानी assertion एंड रीजनिंग टाइप, सुना है आपने AR टाइप क्वेश्चन पहले यूपीएससी, ठीक है, पहले यूपीएससी AR टाइप क्वेश्चन पूछती थी, assertion एंड रीजन, स्टेटमेंट और उसका सही रीजन है कि नहीं, पूछना बंद कर दिया, फिर लास्ट ईयर शुरू कर दिया। देखिए, आइए बढ़ते हैं आगे, इसका ऐसे क्वेश्चन जब बहुत ही टेक्निकल डिटेल्स आए कल्चर के, एनवायरनमेंट के, एनवायरनमेंट के तो हिंदू में, द हिंदू में भी आ सकते हैं, ठीक है, कल्चर के, स्पोर्ट्स के, कुछ प्राइज का, कुछ दिस रिकग्निशन का, इंडियन एक्सप्रेस पे रिलाई कर लीजिए। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल नवंबर 2020 का,
In unique distinction, Hyderabad has become the only city in India to be recognized as Tree City of the World by the Arbor Day Foundation and the Food and Agriculture Organization of UN. Hyderabad is placed alongside 119 other cities from 63 countries. It is the only city in India. The United States, Canada and UK are the countries with the maximum cities featured on the list with 38, 15 and 11 cities. क्या अब आपको हिंट लग गया इसका सही आंसर क्या है मुझे बताइए क्या आपको ये हिंट लग गया सही आंसर क्या है मुझे बताइए पहला स्टेटमेंट क्या गलत है या सही है मुझे बताइए यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड आर्बर डे फाउंडेशन देखिए वहाँ एजर्शन रीजन आंसर करने का बस सिंपल तरीका मैं बता दूँ आपको पहले देखिए कि दोनों स्टेटमेंट क्या सही हैं आर बोथ ऑफ देम करेक्ट इंडिविजुअली ठीक है एंड फिर इन दोनों के बीच में बिकॉज लगा दीजिए नथिंग एल्स रिक्वायर्ड इस एआर क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो एक ही तरीका है टू स्टेप्स में यही हम लोग पहले करते थे मैं बता दूं आपको फर्स्ट इंडिविजुअली सी द स्टेटमेंट्स और वहीं पे आपको दिख जाएगा कि एक स्टेटमेंट गलत है गेट द पॉइंट सेकेंड पॉइंट इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पुट बिकॉज क्या क्या ये रीजन रिलेट हो रहा है ये रीजन क्योंकि क्योंकि हिंदी में मैं बता रहा हूं यहां पे ठीक है क्या रिलेट हो रहा है या नहीं कितनी जगहों पे इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स ही रॉन्ग हो जाते हैं मैं बता दूं जैसे यहां रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट टू इज करेक्ट ये देखिए क्या क्लियर है बच्चा लोग मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए आगे बढ़ चले हम लोग मुझे बताइए स्पोर्ट्स के कुछ न्यूज़ हैं आगे ये देखिए ठीक है स्पोर्ट्स के न्यूज़ हम लोग क्या लास्ट में देखेंगे आइए इसके पहले कुछ और क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस हो गए अभी तक ये हैदराबाद वाला एक हो गया ये प्रीमियर वाला दो हो गया ट्राइबल मिनिस्ट्री थ्री ट्राइक्लोसैन फोर एस टू फाइव बॉल गार्ड वन एंड टू सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी 21, 22, 23, 24 and 25 ये देखिए 25 सवाल निकल गए हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे अब और 10 सवाल बाकी हैं जो करंट अफेयर्स से आए हैं साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हिस्ट्री से और पॉलिटी से आई देखते हैं देखिए एक सवाल यहाँ पे ये सवाल मुझे नहीं समझ में आया क्यों पूछा वाटर क्रेडिट के ऊपर मैं बता दूं किसी न्यूज़पेपर में नहीं था इट वाज गिवन इन अ मैगजीन ठीक है मैगजीन में दिया हुआ था किसी भी न्यूज़पेपर में ये नहीं पुट अप किया था ये दिस वाज द टफेस्ट क्वेश्चन लेट मी टेल यू अगर इसके स्टेटमेंट्स देखे जाएं तो वाटर क्रेडिट के वाटर क्रेडिट एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है पुअर कंट्रीज में ठीक है फॉर द वीकर सेक्शन ठीक है फॉर द वीकर सेक्शंस उसके लॉन्च किया गया है बट दिस वाज अ वेरी वेरी टेक्निकल टॉपिक स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अगर आप ये नहीं पढ़े रहिएगा उस मैगजीन में मैगजीन वॉज नॉट सो रिनोन्ड मैगजीन ठीक है तो समझ लीजिए दैट इट विल बिकम वेरी टफ टू दिस मैनेज इट ठीक है लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन से भी काम बन सकता था ठीक है वाटर क्रेडिट के ऊपर टू मिनट्स बस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे टू मिनट्स कौन सा मैगजीन में आया था मैं बता दूँ आपको इससे कि आगे हम लोग फिर बढ़ चलें तो टू मिनट्स स्टूडेंट्स इट वॉज पुट अप इन मैं बता दूं आपको यस मैगजीन में भी था एंड वाटर डॉट ओ आर जी में वेबसाइट पे न्यूज़ आया था इसको लेकर ठीक है
यस मैगजीन नहीं, ठीक है मिल नहीं रहा है, मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन से मैगजीन में था, ओनली एक सिंगल प्लेस दिस केम अप इन द न्यूज, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ से बस ये स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना था यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक से, ठीक है। वाटर क्रेडिट इनिशिएटिव क्या है, आइए देखते हैं। इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ द यस यस इंडिया टूडे, आई फॉरगॉट, यस ये देखिए इंडिया टूडे में ये आया था, यस वाटर क्रेडिट। दिस इज वाई इट वॉज सरप्राइजिंग। अब इंडिया टूडे पढ़ना शुरू थोड़े कर देंगे हम लोग, ठीक है करेंट अफेयर्स के लिए, लेकिन मैं बता दूं आपको दैट दिस इट्स इट वॉज इन इंडिया टूडे दैट हाफ पेज आर्टिकल केम अप ओवर वाटर क्रेडिट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड बैंक। इट एम्स टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज। तो इसमें मैं बता दूं आपको दैट दिस वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड इनिशिएटिव है, बट WHO इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस, एंड दिस इज वाई दिस क्वेश्चन नंबर द दिस बी आपको टू एलिमिनेट करना है यहाँ पे, टू जहाँ जहाँ एलिमिनेट कीजिएगा आप, ठीक है दिस इट कैन कम अप, ये देखिए टू एलिमिनेट कीजिएगा आपको आंसर मिल जाएगा, मैं बता दूं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड इनिशिएटिव है, अब दिमाग लगाना पड़ेगा WHO वाटर में क्या रोल प्ले करेगा। देखिए बहुत रिस्की सवाल है मैं बता दूं आपको, लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क ले सकते तो रिस्क लेते, मैं नहीं रिस्क लेता इस सवाल में अगर मेरे बाकी एरियाज में 55 क्वेश्चन सही हो जाते। अच्छा जुलाई मिंट न्यूज वाटर क्रेडिट गिवन, ठीक है एक बार मैं देखूंगा। इंडिया टुडे में ये आया हुआ है, मैं बता दूं आपको वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड प्रोजेक्ट है, मैं ये बता दूं आपको, ठीक है। सो सेकंड वन इज रॉन्ग, वन एंड थ्री आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए टू एलिमिनेट कीजिए, देखिए ऐसे सवाल जो थोड़े टफ हैं कहीं पर आपको कुछ इनिशिएटिव लग रहा है, देखिए एलिमिनेशन का वो रास्ता दिखा रहा है UPSC, दैट्स इट। लेकिन इट वॉज अ टफ, वेरी टफ क्वेश्चन, आई वुड नॉट हैव अटेम्प्टेड इट फ्रैंकली टॉकिंग, ठीक है अगर मुझे नहीं पता था तो। मैं बाकी सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करता, वो फादर जेवियर वाला, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन तो मैं टच भी नहीं करता, मैं बता दूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिस नेक्स्ट न्यूज ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक आई सपोज ऑफ 5 मिनट्स, ठीक है 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते थोड़ा पानी पी लिया जाए और उसके बाद हम लोग फिर वापस, ठीक है। मैं 97 का भी आंसर बता दूंगा, क्यों चिंता करना, सबका आंसर यहाँ लिखा हुआ है भाई, ये देखिए, ठीक है 97 नंबर क्वेश्चन क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है, ये देखिए इसका डी हैज करेक्ट आंसर, ये देखिए, ठीक है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स आई सपोज, ठीक है, और 5 मिनट के बाद फिर हम लोग आते हैं और 40 मिनट्स के सेशन के लिए, ठीक है समानों तक चलेगा ये सेशन, ठीक है। आई सपोज यू आर एंजॉइंग द सेशन ऑफ करेंट अफेयर्स MCQs asked in 2021 question paper. आंसर देना मेरा यहाँ पे एम नहीं था इस सेशन में, सवाल क्यों और कहाँ से आ रहे हैं ये मेरा एम था यहाँ समझाना आप, ताकि आप, ठीक है, आप इस साल के लिए अगर अभी भी नहीं पढ़े हैं ये एरियाज तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, या 50 डेज का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसको फॉलो कीजिएगा, मैं उसमें इसी हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ, दैट्स इट। विल टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक टू जस्ट टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड, ठीक है फिर हम लोग वापस शुरू करते हैं। मैं अभी स्ट्रीमिंग स्टॉप कर रहा हूँ, इसी लिंक पे आना, आपको 5 से 10 मिनट मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। I have initiated the live streaming. Let me know. तो आइए आगे बढ़ते हैं, आज देखते हैं और भी क्या क्या क्वेश्चन है। अभी तक 25 सवाल लगभग दिख गए हैं जो डायरेक्टली करंट अफेयर से पूछे गए हैं। ओके 2 मिनट्स। Has it started off, students? Let me know. Start हुआ है नहीं हुआ है बताइए मुझे, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है, इसीलिए दिक्कत है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और जिससे कि हमें दिखेगा दैट करंट अफेयर्स के लगभग 8-10 सवाल इम्पोर्टेंट हैं। 2 मिनट्स
लेट मी रिफ्रेश इट वंस अगेन सो दैट मुझे भी दिखना शुरू हो जाए. यस ठीक है, चलिए 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 शुरू करते हैं सेशन. तो ये स्टूडेंट्स आइए साइंस एंड टेक का कुछ देखते हैं और एनवायरनमेंट का. ये देखिए एक सवाल आया है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स टफ है. ठीक है, टफ इसलिए है क्योंकि ये जो मैग्नेटाइट पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर इंडियन एक्सप्रेस ने आर्टिकल दिया था 2018 में. ठीक है, तो आप कहिएगा कि सर इसमें सब आंसर मार्क कर देंगे, क्या दिक्कत है, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, अब देखिए अभी तो कुछ भी मार्क कीजिए सही है. ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भी मार्क कीजिए सही है, आपको आंसर पता है. एग्जाम हॉल में सोचिए ये सवाल सामने आएगा, उखड़कर इंसान बाहर निकल जाएगा इस सवाल देखकर. ठीक है, मैग्नेटाइट पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. तो मैग्नेटाइट पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, यस सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रूप में दिखते हैं जगह जगह, मीन्स दिखते नहीं है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रूप में दे गेट क्लॉग्ड इनटू आवर लंग्स एंड दे आल्सो एंटर आवर बॉडी. ठीक है, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स, और ये सबसे खतरनाक होते हैं छोटे बच्चों के लिए, मैं बता दूं आपको. ठीक है, द इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ वन ईयर. ठीक है, क्योंकि अगर ये वो इंजेस्ट कर ले या उनके शरीर में चला जाए तो ब्रेन डेवलपमेंट पूरा हैम्पर हो जाएगा. ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट पूरा हैम्पर हो जाएगा. अब सवाल क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा कि मैग्नेटाइट पार्टिकल इज कॉजिंग न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम एग्रीड इज जनरेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. ये देखिए पूछ दिया यहाँ पर, तो अब तो गूगल सर्च कर सकते हैं आप लोग कि यहाँ से जनरेट होता है कि नहीं. ठीक है, यहाँ से होता है कि नहीं, यहाँ से होता है कि नहीं. ठीक है, लेकिन मुझे बताइए अगर ये सवाल ठीक है दिस सवाल अगर पहले मीन्स सवाल आया आपके सामने, आपको नहीं पता है, गूगल सर्च नहीं कर सकते हैं, तो क्या आप ये मार्क करके आ पाओगे सही, मुझे बताइए. तो मेरे पास 2018 का एक आर्टिकल है. ठीक है, एक आर्टिकल है मेरे पास 2018 का, वो आर्टिकल मैं सामने रख रहा हूँ आपके, ध्यान दीजिए. ये देखिए, लेट्स सी, पॉल्यूशन पार्टिकल्स कैन गेट स्टक टू ब्रेन टिश्यू कॉज सीवियर डैमेज न्यू स्टडी. एक आर्टिकल 2016 का है, एक आर्टिकल 2018 का है. 2021 बहुत लंबा ड्यूरेशन हो गया उसके बाद. ठीक है, आइए पढ़ते हैं. द पार्टिकल्स आर ऑफ अ डिस्टिंक्ट जैगेड शेप प्रोवाइडिंग अ सॉलिड क्लू अबाउट इट्स फॉर्मेशन. ये मैग्नेटाइट पार्टिकल्स की बात हो रही है. ठीक है, दीज स्मूथ एंड राउंड पार्टिकल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कम इनटू बीइंग ओनली व्हेन द पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड इन हाई टेम्परेचर कंडीशन सच एज फाउंड इन व्हीकल इंजिन और ब्रेकिंग सिस्टम. These particles are also dangerous in the sense that they do not get trapped by the lining in the nose. They are small enough to pass through the nasal passage and reach the lungs, causing respiratory damage. ये देखिए, Indian Express ने directly बता दिया magnetite particles निकलते हैं high temperature वाले areas से. High temperature वाले areas से 2018 का ये article, ये देखिए. और लिख दिया स्पेसिफिकली व्हीकल इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम दोनों जगह से. तो ये देखिए यहाँ पे, ब्रेकिंग ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स एग्रीड, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल्स एग्रीड. ये देखिए, हाई टेम्परेचर एरियाज, हाई टेम्परेचर, माइक्रोवेव यस, पावर प्लांट्स यस, हाई टेम्परेचर जहां कहीं भी है वहां से निकलेगा ये. ठीक है, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब 1 2 3 4 हो ही गया तो बचा क्या. ये देखिए, अब टेलीफोन लाइंस के बारे में कहीं पे भी डेटा अवेलेबल नहीं है. यह अलग बात है कि अब आपको आंसर कीज मिलेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, आपको सब कुछ दिखेगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव. लेकिन यह सवाल था टफ, मैं बता दूं आपको. अभी आप सर्च किए टेलीफोन लाइन से निकलता है कि मैग्नेटाइट पार्टिकल्स, यू विल गेट द आंसर ऑफ कॉल द कोचिंग इंस्टीट्यूट. यस यस निकलता है, निकलता है. ठीक है, यूपीएससी ने यहाँ पे डाल दिया है, डी ऑप्शन है, तो ये निकलता ही होगा भाई. ठीक है, नहीं तो निकाल दिया जाएगा उसके अंदर से टेलीफोन लाइन से मैग्नेटाइट पार्टिकल्स. फ्रेंकली टॉकिंग, सोर्सेज ऑफ मैग्नेटाइट पार्टिकल्स, इससे ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी, मैं बता दूंगा.
गेटिंग इट, केवल हाई टेम्परेचर कंडीशंस एंड स्पेसिफिकली ब्रेक्स एंड इंजिन्स यही अवेलेबल दिया गया है। अब इसका आंसर क्या है, अब ये यूपीएससी बताएगा, मैं बता दूं आपको। लेकिन फ्रेंकली टॉकिंग दिस क्वेश्चन वॉज वेरी कंफ्यूजिंग, ये वो सवाल है, आप ऑल ऑफ द अबव मार्क करके आ जाइए, सही हो जाए तो मनाइए शुक्र भगवान सही हो गया, नहीं तो गलत भी हो सकता है। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, लेट मी अश्योर यू, ये गलत भी हो सकता है। इन जगहों पे ब्लाइंड गेस खेला जाता है, ठीक है, अगर आप ऑल ऑफ द अबव मार्क कीजिएगा तो एग्रीड। ये सवाल तभी अटेम्प्ट कीजिएगा जब आप 55 क्वेश्चन रीच नहीं कर पा रहे हैं बाकी एरियाज में, जैसे सेंट जेवियर वाला आप क्वेश्चन कर रहे थे। इज दिस क्लियर, टेल मी। गॉट द पॉइंट, तो वन एंड टू इज करेक्ट, हाई टेम्परेचर का कोई एरिया होगा, ठीक है, मुझे टेलीफोन लाइंस नहीं दिख रहा है कहीं पे, मैं बता दूं आपको। अब पाया जाता होगा, निकाल दिया जाएगा उस पर लगाकर तो अलग बात है, या पाया जाता होगा अलग बात है, सोर्सेज नहीं है कहीं पे, या तो रिसर्च पेपर तलाशना पड़ेगा भाई, रिसर्च पेपर, ठीक है, तलाशना पड़ेगा आपको। अब रिसर्च पेपर तलाशने के लिए अगर आप जाइएगा तो अपना नाम भूल जाइएगा, इससे अच्छा है ये सवाल छोड़ दिया जाए। क्या जिद है क्या यूपीएससी से इसी सवाल में जीतेंगे? जिद है क्या कि इसी सवाल में जीतना है, बाकी कहीं जीते या ना जीते इसमें जीत जाएंगे बस, तो बस छोड़ दीजिए कुछ क्वेश्चंस, अगर इसमें जीत गए तो पूरा पेपर हार जाइएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। और आंसर जानने के बाद मिलाना बहुत आसान होता है, मैं बता दूँ, मैं यहाँ मिलाऊंगा नहीं कि ये सही है ये गलत है, सामने सामने दिख रहा है लॉजिक, इस क्लास में, इस सेशन में केवल लॉजिक पे काम होगा, कोई मैजिक पे काम नहीं होगा, मैं बता दूँ आपको, ठीक है। तो लॉजिक ये कहता है कि ब्रेक और इंजन तो भाई सही है, हाई टेम्परेचर वाला पावर प्लांट भी सही है, ठीक है, टेलीफोन लाइंस मुझे तो भाई, मैं नमस्कार करता हूँ इस ऑप्शन को, आता होगा तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सो दिस वॉज अ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, कुछ सवाल आते हैं नहीं करने के लिए, आप कुछ जगहों पे जाते हैं, जैसे आप गए कान्हा टाइगर रिजर्व में, पन्ना टाइगर रिजर्व में, ठीक है, तो टाइगर का फोटो लेने गए, उसके साथ लंच करने नहीं गए, ठीक है, कि नहीं मैं लंच करके आऊँगा टाइगर के पास ही रहूँगा, ठीक है, तो ऐसी मीन्स सम एक्टिविटीज आर नॉट टू बी डन वीड आउट देम, सम क्वेश्चन आर नॉट टू बी अटेंडेड वीड इट आउट, मेरे हिसाब से सबसे सटीक छोड़ दिए इस सवाल को, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट, ये देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देखिए आप, ये पहले भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, मॉन्टेगू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स के 100 साल पूरे हो गए, तो समझ लीजिए ये सवाल आएगा ही आएगा। ब्रिटिश इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए थे उसको लेकर क्वेश्चंस, जो सेकंड स्टेटमेंट है ना ये आया हुआ है पहले, मैं बता दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखिएगा ये आया हुआ है, द सेम स्टेटमेंट हैज कम अप, ये देखिए कि विच सवाल आया हुआ है आज, मीन्स 10-11 साल पहले का, लेकिन आया हुआ है मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10-12 साल पहले का भी देखना है, देख लीजिए आपको कहीं ना कहीं हिंट दिख जाएगा। दिस वन इज ट्रू, ठीक है, सेकंड वन इज ट्रू, दैट्स इट, ठीक है, रिजर्वेशन दिया गया था वुमन को 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, ठीक है। फर्स्ट वन, द मॉन्टेगू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमन अबव द एज ऑफ 21, हाउ कम, यही रहता अगर ब्रिटिशर्स का एम कि नहीं सबको ही वोटिंग का अधिकार, सारे वुमन को वोटिंग का अधिकार, तब तो इंडिया में ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी आ गई रहती उसी समय, नो, ऑल वर्ल्ड इज रॉन्ग, ब्रिटिशर्स ग्रांटेड द वोटिंग राइट्स टू स्पेसिफिक रिच पीपल, नॉट ऑल ऑफ देम, वोटिंग राइट्स दिए गए नो डाउट, लेकिन किसे दिया गया ये भी तो देख लीजिए, अमीर इंसान जो वायसराय से डायरेक्टली संबंधित है उसे, ठीक है, अपर क्लास उसे, दैट्स इट, तो ऑल वर्ल्ड से ही ये हट रहा है, वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, एंड सेकेंड वन 10 साल पहले आया हुआ है ये, मैं बता दूं आपको, ठीक है, सेकंड वन इज राइट, ये टू बी इज राइट, ये देखिए। अब ये मॉन्टेगू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स, आप बोलिएगा कि सर ये आप तब यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर्स में, क्योंकि इसके ऊपर इंडियन एक्सप्रेस में 2020 में आफ्टर फिनिशिंग ऑफ 100 ईयर्स ये टॉपिक आया था कि व्हाट वाज ग्रांटेड इन मॉन्टेगू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स हिस्ट्री के टॉपिक में, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड पेज, केवल आप एंटर कीजिएगा मॉन्टेगू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड, आ जाएगा सामने आर्टिकल, देख लीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ डिस्कस किया और कुछ नहीं, इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया था इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस किया है, एक्सप्लेन पेज में ये आया था टॉपिक, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए स्टूडेंट्स, दिस ये देखिए कुछ क्वेश्चन साइंस एंड टेक के, हैव अ लुक। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीजेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, कुछ सुना है आपने, पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाई माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी इधर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, अ चाइल्ड इनहेरिट द माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर, ये दो स्टेटमेंट्स पुटअप किए गए, विच ऑफ देम आर करेक्ट, ये साइंस एंड टेक का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे द हिंदू लगातार 3-4 साल से फोकस कर रहा है, ये देखिए, और उसके हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि हर साल लगातार 2 साल से इस पे क्वेश्चन आ रहे थे, यस 2020 में भी सवाल पूछा गया, 2021 में भी, ये देखिए। तो मैं बता दूं क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, टेल मी इन द चैट बॉक्स, सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स सेपरेट डिस्टिंक्ट सेट ऑफ जीन्स, क्या उस जीन्स में कुछ दिक्कत आने से क्या वो डिजीजेस उसमें हेरिडिटरी डिजीज आ सकती है, यस, एंड इनसाइड इन द न्यू एम्ब्रायो फ्रॉम वेयर डज द माइटोकॉन्ड्रिया, का माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे, साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। मैंने ये टॉपिक साइंस एंड टेक में पढ़ाया है माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट थेरेपी में, ठीक है, एंड दिस केम अप इन द करंट अफेयर्स आल्सो आई सपोज 2020 का ये टॉपिक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये सेल हो गया, ठीक है, ये सेल हो गया, मान लीजिए सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जीन्स और जीन्स में दिक्कत, हेरिडिटी डिजीजेस, ये है साइटोप्लाज्म, दिस होल साइटोप्लाज्म इज इनहेरिटेड एंटायरली इन द न्यू एम्ब्रायो फ्रॉम द मदर साइड, मदर साइड। अब बताइए क्या क्लियर हुआ, क्या माइटोकॉन्ड्रिया की सारी बीमारियां मदर साइड से ही आएंगी, यस, देखिए एंटायरली, यस करेक्ट। सेकेंड पॉइंट ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, मीन्स बिकॉज ऑफ द एग सेल, एग सेल का सारा साइटोप्लाज्म एम्ब्रायो में चला जाता है, नए बच्चे में, दैट्स इट। नेक्स्ट ये माइटोकॉन्ड्रिया अगर बीमारी है, माइटोकॉन्ड्रिया में दिक्कत है किसी दिस फीमेल में, तो कैसे ठीक किया जाए, तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये मान लीजिए कि एग सेल हो गया ये, ठीक है, एग सेल, और ये स्पर्म हो गया मान लीजिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, एग सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसमें दिक्कत है, ठीक है, तो थर्ड मींस अ डोनर कम्स अप, डोनर वुमेन कम्स अप, और डोनर वुमेन से एग सेल निकाल कर, ये देखिए एग सेल निकाल कर, और तब इसके अंदर चेंजेस करके, माइटोकॉन्ड्रिया के चेंजेस करके, इन शॉर्ट दिस एग सेल, द डिफेक्टिव एग सेल के अंदर चेंजेस करके, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम डोनर, और यही वजह है मींस जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, ये चेंजेस बिफोर फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं, इसके 3 टेक्निक्स हैं, और यही 3 टेक्निक्स पर एक सवाल, ठीक है, ये 3 टेक्निक्स पर एक सवाल 2020 के पेपर में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द क्वेश्चन वॉज, ध्यान दीजिएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द क्वेश्चन वॉज, हैव अ लुक, बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, सुना है आपने, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर सुना है, ये देखिए ये एग सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस, ये डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, क्या इस पे 2020 में आया हुआ सवाल मुझे बता दीजिए, ये देखिए सेम क्वेश्चन, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, एंड ओसाइट इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिसिपिएंट एंड फर्टिलाइज विद द स्पर्म, एग सेल और स्पर्म का पहले फर्टिलाइजेशन, देन ध्यान दीजिएगा, देन आफ्टर दैट द डोनर एग सेल, जो डोनर है, ठीक है, जिसका जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, जो फीमेल, ठीक है, द डोनर एग सेल इज फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म फ्रॉम द सेम पर्सन, और उसके बाद द मेल एंड फीमेल, मींस ये पूरा
प्रोसेस दिया, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज अ टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, थ्री सब टाइप्स. इन शॉर्ट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाई माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी. माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेस किया जा रहा है इधर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग. ट्रू स्टेटमेंट, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट. ये देखिए, ये तो टॉपिक द हिंदू का फेवरेट टॉपिक है, ये टॉपिक यूपीएससी का भी फेवरेट टॉपिक है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ. ठीक है, ये देखिए आपको खुद समझ में आ जाएगा. ये देखिए एडिनो वायरस या वैक्सीन्स में न्यूज आया था, टेल मी एडिनो वायरस. और वहीं पे एक टॉपिक आया दैट रेट्रो वायरसेस आर दोज विच हैव आरएनए. ठीक है, जैसे एड्स का वायरस है. थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है लेकिन दिस केम अप एडिनो वायरस के ऊपर तीन आर्टिकल्स द हिंदू में साइंस एंड टेक पंडित पर. ये देखिए, एडिनो वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स वेयरएज रेट्रो वायरसेस हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स. रॉन्ग, रेट्रो वायरसेस हैव आरएनए. ये देखिए, एड्स का वायरस क्लासिकल एग्जाम्पल है. पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग. कॉमन कोल्ड इज समटाइम्स कॉज्ड बाय एडिनो वायरस. यस, तभी तो इन्फ्लुएंजा के को लेकर हम लोग एडिनो वायरस वैक्सीन बना रहे हैं. ठीक है, वेयर एज एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रो वायरस. यस करेक्ट, ये करेक्ट. ये देखिए, एडिनो वायरस के ऊपर तीन आर्टिकल्स द हिंदू में, क्योंकि वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर. ये देखिए, बी इज करेक्ट, टू ओनली इज करेक्ट. एडिनो वायरस, ये आपने सुना होगा स्टूडेंट्स न्यूज में बहुत ज्यादा ये शब्द. ठीक है, एडिनो वायरस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो इजी था. यस, इजी था. ठीक है, और एडिनो वायरस वैक्सीन कौन कौन से, कुछ बताएगा कोई मुझे? देख लीजिएगा इसमें. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज. ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक, ये देखते हैं साइंस एंड टेक का. ये देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स विद रेफरेंस टू रीसेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्पुतनिक पे ये आर्टिकल आया था, मैं बता दूंगा. स्पुतनिक को जब इंडिया में किसने, डॉक्टर रेड्डीज लैब ने बनाना शुरू किया हैदराबाद में, उस समय ये न्यूज द हिंदू में आया. एट वॉट इज अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन. रिकॉम्बिनेंट वर्ड समझ में आ रहा है, मुझे बताइए, क्या उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होगा? बिल्कुल होगा. एंड टेल मी वन थिंग, वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? करियर्स होता है. ठीक है, क्या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन जो बनाए जा रहे हैं, उसी आर्टिकल में दिया हुआ था दैट इन मेनी केसेस वायरसेस आर द करियर, इन मेनी केसेस बैक्टीरिया आर द करियर. ये देखिए, स्पुतनिक वैक्सीन द हिंदू अक्टूबर सेप्टेंबर 2000 सेप्टेंबर नहीं, स्पुतनिक को कब दिया गया था, गो अहेड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. ठीक है, दैट्स इट, बोथ आर करेक्ट. ये सेकंड स्टेटमेंट डायरेक्टली उठाया गया वहां से. रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन का जमाना बहुत पहले से चला आ रहा है. ठीक है, वो कोविड के लिए भी बनाया जा रहा है, पहले भी बनाया जा रहा था, मैं बता दूं आपको. तो ये वन एंड टू, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट आउट हियर. ये देखिए, स्पुतनिक वैक्सीन जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, तो यानी कि साइंस एंड टेक का एडिनो वायरस, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स, क्या तीन सवाल आपको डायरेक्टली मिल रहे हैं करंट अफेयर्स से? यस. आइए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स के पन्ने की तरफ. आइए देखते हैं स्पोर्ट्स का पन्ना. ये देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड विच वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 2000. शायद ये सचिन तेंदुलकर को मिला 2020 में. ठीक है, ये देखिए, यस आई एम राइट, बिफोर तेंदुलकर नो इंडियन हैड कम क्लोज टू विनिंग एनी ऑफ द कैटेगरीज. ये देखिए, इसीलिए सवाल ये पुट अप किया यहां पे, मैं बता दूं आपको. ठीक है, आइए देखते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 का न्यूज है ये. अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ द अवार्ड इन द ईयर 2000. यस, the award was received mostly by formula 1 players so far and roger federer received this award maximum number of times compared to others. aaiye dekhte hain iska kya sahi hai. aaiye dekhte hain students the laureus world sports, indian express explained page sports. ye dekhiye,
have been in existence since 2000 with honors conferred on the sportsman and sportswoman of the year, team of the year, comeback of the year, breakthrough of the year, action sportsman of the year, world sportsman of the year with a disability, apart from discretionary honors like spirit of sport, sport for good, and lifetime achievement awards. All of these are voted by Laureus World Sports Academy, an association of 68 retired and eminent sportspersons. For the last two decades, the awards have gone to the likes of Roger Federer, six times the most, Tiger Woods, Serena Williams, Michael Schumacher, ये देखिए जो Formula One sports के लिए famous रहे, Usain Bolt, Lewis Hamilton, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Simon Biles, no arguments there. क्या आपको लग रहा है कि मैक्सिमम कौन से लोग ले गए हैं? क्या टेनिस वाले ले गए? मुझे बताइए. जलमी, क्या टेनिस वाले ज़्यादा दिख रहे हैं आप? ये देखिए सेरेना विलियम्स, इसके अलावा रॉजर फेडरर, रफाल नडाल, जो फ्रेंच मींस रफाल नडाल एंड दिस रॉजर फेडरर हैव बीन फेमस फॉर द लास्ट वन डिकेड. ठीक है, नोवाक जोकोविच, ये देखिए टेनिस के मैक्सिमम लोग यहाँ पे. उसान बोल्ट उधर अलग ही टेंशन में. ठीक है, 10 सेकेंड्स के लिए 10 साल लगा दिया उन्होंने, कहते हैं ना गिव्स, ठीक है, ही गिव्स दिस डायरेक्शन दैट जीवन में जो परफॉर्म करते हैं आप 3 घंटे या 5 घंटे या 1 घंटे या 10 सेकेंड में, उसके पीछे जीवन की मेहनत होती है. आई होप यू एग्री. टेल मी, एथलेटिक्स में इस 100 मीटर्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कभी? ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे साफ साफ, और यहीं पे इसी में जो सब हेडिंग था वहाँ लिखा हुआ था टाइगर वुड्स वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड. आप मार्क कर सकते हैं, बताइए मुझे, आप मार्क कर सकते हैं, आप बताइए मुझे, मार्क कर लीजिएगा आप लोग. क्या सेकंड वाला रॉन्ग होगा? मैं तो वीड आउट करूँगा सेकंड वाला. ठीक है, टॉपिक ये देखिए, रॉजर फेडरर मिला है उनको मैक्सिमम टाइम्स, टाइगर वुड्स फर्स्ट विनर है, ये सब हेडिंग में था. यस, सेकंड वन इज वीडेड आउट, 1 एंड 3 हिसाब से सही. यहाँ पे ये देखिए, सीइंग दिस करंट अफेयर्स टॉपिक, कहने को मैं बार बार कह रहा हूँ ना, बाद में इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, जब यूपीएससी ने सवाल पूछ दिया उसका ये आंसर, उसका वो आंसर, बाद में करने से क्या फ़ायदा. स्पोर्ट्स में मैं बता दूँ, इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले साल एक्सप्लेन पेज में शायद शुरुआत की थी 2 साल पहले से स्पोर्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करना. टोक्यो ओलंपिक्स भी उसने एक्सप्लेन किया था. कुल मिला के 8 या 9 टॉपिक्स आए थे स्पोर्ट्स के, मैं ये भी बता दूंगा. एक टोक्यो ओलंपिक्स, एक लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, एक फ्रेंच ओपन टेनिस मैं बता दूं, और कुछ ऐसे ही करके 8 या 9 टॉपिक्स आए थे. केवल 3 सवाल दाग दिया यूपीएससी ने वहां से. ये देखिए यहाँ पे, 3 questions केम इन यूपीएससी फ्रॉम दोज 9 टॉपिक्स ऑफ स्पोर्ट्स. आइए देखते हैं यहाँ पे. ये देखिए 32nd समर ओलंपिक्स, ऑफिशियल मोटो क्या है? ये देखिए, देख लीजिए ऑफिशियल मोटो, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर. यही तो कोविड ने सिखा दिया ना, टुगेदर. ठीक है, वैसे अभी भी टुगेदर नहीं है वर्ल्ड. ठीक है, तो ये तो, ये देखिए यहाँ पे खुद देख रहे हैं आप, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स. इंक्लूडेड है, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था, इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल ये उठाया गया. मैं इंक्लूड कर दूंगा, मैं पुट अप कर दूंगा पीडीएफ, दैट्स इट. ठीक है, और ये देखिए उसके अलावा स्टूडेंट से, स्पोर्ट्स से, और एक सवाल ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये भी सेम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप. आप इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन एंटर कीजिएगा, आ जाएगा सामने, ये देखिए. ठीक है, तो आई सपोज यू गॉट इट स्टूडेंट्स. पहले मिलता था उस टीम को, ये पहली बार हुआ है दैट फाइनल प्ले किया गया है. पहले ये मिलता था उस टीम को जो रैंक 1 पे रहती थी आफ्टर विनिंग द नंबर ऑफ मैचेस. दैट्स क्लियर है. इस बार फाइनल हुआ था और न्यूजीलैंड जीत गया. इस बार नंबर ऑफ मैचेस डिडंट डिसाइड. आई होप यू गॉट द पॉइंट. Number of matches didn't decide. ठीक है, the who is the winner. But yes, the number of matches decided who were the finalists. ये देखिए यहाँ पे, और ये देखिए finalist पे सवाल आया हुआ, ये देखिए finalist.
तो चलिए, ये दिस इज द एनालिसिस। ये तीन सवाल और हो गए स्पोर्ट्स के, नौ टॉपिक्स आए थे, इसलिए स्पोर्ट्स इस पर इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछते ना कि यूपीएससी सर क्या पूछेगा क्या नहीं पता नहीं चलता है, नहीं पता चलता तो वो सब कुछ तो करके जाएंगे ना। हम लोग जो पिछले साल गलतियां किए हैं वो तो हटा कर जाएंगे। टेल मी वन थिंग, एंड सवाल आने के बाद तो एवरी वन इज लाइक मुझे ये पता था ये आएगा, ये पता था ये आएगा। टेल मी वन थिंग फ्रेंकली सीइंग द पेपर, ये आज हम लोगों ने 34 क्वेश्चन डिस्कस किए इफ आई एम नॉट रॉन्ग टोटली फ्रॉम करंट अफेयर्स बैकग्राउंड, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम एंड। मैं बता दूं अभी मैं फ्रेंकली टॉकिंग मैंने 7 क्वेश्चन नहीं पिकअप किया क्योंकि मैंने उसका एनालिसिस नहीं किया। मैं वो 7 सवाल लेके आने वाला हूँ और एक सेशन में। मैंने जोड़ा हुआ स्टूडेंट्स दैट डायरेक्टली इनडायरेक्टली 41 क्वेश्चन एंड उसमें 38 क्वेश्चन डायरेक्टली इन न्यूज पेपर्स में से। वो वाटर क्रेडिट वाला इंडिया टूडे में मैं मानकर चल रहा था, ठीक है, देखते हैं हम लोग। 38 सवाल में डुएबल 30 क्वेश्चंस थे, आई होप यू एग्री विद मी। अगर आपका कमांड करंट अफेयर्स के ऊपर रहता तो अच्छे से देखिए, 30 क्वेश्चंस वर डुएबल। अगर करंट अफेयर्स पढ़ के सही तरीके से एक्सप्लेन पेज पढ़ के जाते, 1.5-2 साल का द हिंदू का FAQ पढ़ के जाते, तो कम से कम 30 सवाल सही कर सकते थे। एवरेज मैं बता रहा हूँ कितना लोगों ने सही किया इसमें, इन 38 क्वेश्चंस में एवरेज आ रहा है 17 से 20 तक का। मैं बता दूँ आपको, आप किसी सेलेक्टेड इंडिविजुअल से भी पूछ, जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इसमें आधा ही स्कोर कर पाए हम लोग। अगर आप 25 से 30 कम से कम करके आते, वुड यू हैव गॉट द लीड टेल मी। मैं बता दूं इसके अलावा पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे, सब इजी आए थे पॉलिटी क्वेश्चंस, पॉलिटी के 8 सवाल इसका डुएबल, लेट मी टेल यू 8 क्वेश्चंस डुएबल। इकोनॉमी के 4 क्वेश्चंस डुएबल, रिसेशन में क्या होगा एंड ऑल दैट 12 सवाल, ये देखिए यहीं पे हो गया। उसके बाद 1-2 सवाल इतिहास के, 1-2 सवाल मीन्स जो बेसिक है पूछा है, ठीक है, कुल मिलाकर 18 से 20 सवाल डुएबल, ये देखिए। लीविंग दिस इजीली डुएबल रीडिंग द बेसिक एंड एनसीईआरटीज क्यों हम बोल रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ कर जाते और थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी में रहता, 20 सवाल मिल जाते विदाउट एनी रेफरेंस बुक, लेट मी टेल यू विदाउट एनी रेफरेंस बुक 30+20=50 हो गया। देख लीजिएगा एनसीईआरटी से भी, मैं बता दूंगा कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, बता देंगे कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, बता देंगे कंसेप्ट में कौन से क्वेश्चन है। इकोनॉमी के लगभग 4-5 सवाल पूरे कंसेप्ट बेस्ड, रिसेशन में क्या होगा, किसके कारण इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे नीचे जाएगा एंड ऑल दैट, यू जस्ट गो एंड सी द पेपर। दीज वर दोज एरियाज आउट ऑफ 38 क्वेश्चंस यू कुड, आज 34 क्वेश्चन डिस्कस किए, एवरेज मार्किंग वाज 17-20 क्वेश्चंस, दोज हु गॉट सेलेक्टेड आल्सो 25-30 हो सकता था। यस, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत इससे हेल्प मिलेगा। ट्राइक्लोसैन क्यों आया, ये इंडिया का स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनल 26 जनवरी को क्या था, ट्री सिटी हैदराबाद क्यों डिक्लेयर किया गया, और AS2 क्या है, बॉल गार्ड 1 और 2 क्या है, ये देखिए एडिनो वायरस क्या है, ठीक है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी तो दोबारा पूछा गया है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स क्या हैं स्पुटनिक के ऊपर, मोरिंगा फाइनेंशियल एक्सप्रेस सिंगल फर्स्ट सेंटेंस वीट आउट आपको आंसर मिल जाएगा। उसके अलावा ये देखिए ग्लोबल ओशन कमीशन एंड ऑल दैट पूछा गया, ठीक है, ये देखिए रिवर्स पूछा गया, पाम ऑयल पूछा गया, 34 सवाल किसी ने कहा है कि मैंने डिस्कस किया, 34 क्वेश्चन टूडे दैट टेक्स द काउंट टू एटलीस्ट 1/3 ऑफ द UPSC पेपर। If I'm not wrong, tell me. इस बार पूरा करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो 50 डेज क्रैश कोर्स में डिस्कस किए जाएंगे, मैं बता दूं, ठीक है। मैंने PDF सेपरेटली शेयर किए हैं एनवायरमेंट और साइंस टेक के, लेकिन वो क्रैश कोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें मैं अगर कुछ नहीं भी बताऊं लेकिन उसमें दिया हुआ है कुछ स्टेटमेंट तो पढ़ लीजिएगा। जैसे ये मद्रास हेजहॉग जानलेवा हो गया पिछले साल, नहीं जंगली कांटेदार चूहा सब पढ़ लिया, अवेयरनेस कैंपेन एंड ऑल दैट, यही नहीं पढ़े कि रोल कर गया था जब ये राइटर जा रहा था। तो मैं अगर PDF दूंगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा, PDF पुट करूंगा, तो एक एक सेंटेंस पढ़िएगा, ये आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है, दैट्स इट।
भले मैं स्किप कर जाऊं कुछ चीज़ें, ठीक है, अब टाइम लिमिटेड रहता है ना पढ़ाते समय, आप पढ़ लीजिएगा सेंट फ्रांसिस जेवियर एंड ऑल दैट, जनगण मन एंड मदना पल्लई आंध्र प्रदेश एंड ढोलावीरा, अब तो समझ में आ गया क्यों 64 योगिनी टेम्पल ऑयस्टर्स क्यों आए थे क्वेश्चंस। नथिंग वॉज अनप्रेडिक्टेबल एंड इफ यू सी इट इन दैट वे एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल इन द लाइफ, दैट्स इट। अगर ऐसे देखिएगा तो कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, और देखिएगा तो सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल ही है लाइफ में, पूरा जीवन ही अनप्रेडिक्टेबल है। कल क्या पता दिस हम अमीन से जीवन रहे कि ना रहे, ये भी नहीं पता है। कल क्या पता पृथ्वी पर क्या हो जाए। तो ऐसे सिनारियोज में डोंट गेट डिप्रेस सीइंग द पेपर, ट्राई टू रीजन, ट्राई टू फाइंड इट आउट, ठीक है। आंसर निकालना उतना ज़रूरी नहीं था लास्ट ईयर के पेपर में जितना ज़रूरी ये था कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया। अगर केवल आंसर निकाल कर हम पुटअप कर देंगे सामने, देन इट विल बी लाइक सुपरस्टिशन टाइप का चीज़ हो जाएगा। पढ़ लो भैया अगले साल कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं हमें नहीं पता है, आंसर बता देंगे हम। लेकिन जबकि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी दिया हुआ है रीजन द माइंड, सवाल क्यों पूछा, अरे कुछ तो सोच के पूछा होगा उसने, या ऐसे ही हवा में सोच लिया कि आप तो पूछेंगे मद्रास हेजहॉग के बारे में। दिस इज द रीजन व्हाई, व्हाई एंड व्हाई डिड द क्वेश्चन कम अप। इसलिए व्हाई डिड द क्वेश्चन कम अप, जब भी देखिए, ये देखिए फर्नेस ऑयल के ऊपर, ये देखिए कॉपर स्मेल्टिंग के ऊपर, ये देखिए क्या सटीक सवाल पूछा है यूपीएससी ने, साइंस डे के किसी बुक में नहीं दिया होगा मैं बता रहा हूं आपको। ये देखिए लेमन ग्रास, देखिए द हिंदू से डायरेक्टली उठाया गया, जहां वो वर्ड्स आ रहे हैं डायरेक्टली उठा दे रहा है सवाल। देखिए बॉन्ड यील्ड्स, देखिए डायरेक्टली, देखिए मेन मेजर फैक्टर्स इंडियन एक्सप्रेस, ये देखिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये देखिए डायरेक्टली यहां से उठाया गया, ये देखिए। That's it students, from my side for today. Current affairs is not only about the front page and the international page and the economics page and some news of judiciary, no. Current affairs is all about in UPSC about the background of the news and searching for technical specifications in certain news, that's it. इसी के साथ आज का सेशन समाप्ति की घोषणा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद जुड़ने के लिए यहाँ पे और फॉलो करने के लिए। टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी अंडरस्कोर अनुराग सिंह, जुड़ जाइएगा इस सेशन के फ्री पीडीएफ के लिए, फर्दर अपडेट्स के लिए। नमस्कार, सेशन समाप्त करते हैं हम, ठीक है, एंड मिलते हैं फिर कल सुबह अगले सेशन में, ठीक है, टेक केयर।